देखें, आप यूज कर सकती हैं, लेकिन फिर सारी डिटेल्स उन्हीं की यूज करें और उन्हीं की डिटेल्स के ऊपर जो है वो फिर बनाएं आप। जो ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मुझे एक वीक जब आपने मुझे बोला था ये सारी चीजें जो भेजनी है वो मैंने एक हफ्ते से ज्यादा होगी भेज दी है, तो फिर आप यानी कि काफी सारे लोगों ने दिए, ये सिर्फ मैंने ही दिए नहीं, अभी। कहाँ पर भेज दिए आपने? वो मैंने सर का जो नंबर है। नहीं, देखें, अभी आप किसी को कुछ ना भेजें, आप अपने पास रखें, मैं आपको तरीका कार बताऊंगा, देन आप उसके ऊपर जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर लीजिएगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट्स और बाकी सारी चीजें जो हैं वो आप लोग अपने पास रख लें। सबसे ऊपर था लेकिन मैंने तो सर को भेज दी है। नहीं, कोई बात नहीं है, अगर आपने शेयर भी कर दिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोग अपने पास रेडी रखें। जैसे ही हम अपने सैलरी सेंटर अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग उसके थ्रू बनाकर काम कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन एक ये है कि मेरा आईडी कार्ड ना एक तो उर्दू में है और दूसरा मेरा शादी से पहले वाला बना हुआ है। वो चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड पे बनेगा वरना इशू आएगा। अदरवाइज आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के थ्रू आप बनवा सकते हैं। जी, और ऊपर सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर वो जो बैंक अकाउंट हमने ओपन करवाना है वो जो अकाउंट है वो स्टूडेंट ओपन करवाना है या करंट? नहीं, स्टूडेंट अकाउंट ना ओपन करवाएं, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है दोनों चल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका आपको उस अकाउंट से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। बिल्कुल न्यू अकाउंट जो है वो नहीं चलेगा, एटलीस्ट उसमें फिर ये है कि 3-4 दफा जो है ना ट्रांजैक्शन कर लें उस अकाउंट के थ्रू, देन वो वर्किंग में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी सिस्टर एक मिनट मुझे पहले कर लेते फिर आप बात कर लीजिएगा। जी 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 सर, वो मेरी सिस्टर थी इंग्लैंड, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तो वैसे ऑलरेडी इंग्लैंड होती हूँ, तो अगर आप के नजदीक कोई अच्छा मतलब कोई जॉब है जिस तरह मैं कर सकती हूँ उधर, तो आप बता दे मुझे। सॉरी, आपकी आवाज नहीं समझ आई मुझे। मैंने कहा मेरी सिस्टर ऑलरेडी इंग्लैंड होती है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर से पूछना अगर मैं कोई जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे रिमोट लोकेशन पे? जी, उधर ही रह के उधर ही जॉब करेगी। नहीं, मतलब फिजिकल करना चाह रही है या ऑनलाइन करना चाह रही है? अगर फिजिकल है वो भी बता दे, अगर ऑनलाइन है तो वो भी बता दे। चलिए, फिजिकल के लिए ये है कि आप जो है वो एक दफा तो क्या नाम है वो सर काशिप से या फिर वो मेन मैनेजमेंट से बात कर लें, वो शायद वहाँ पर क्योंकि सीईओ वहाँ के ही हैं, वहाँ पर ही उनके बिजनेसेस हैं, तो शायद वो कुछ हेल्प कर सके वहाँ पर। ठीक है, तो अगर सर मुझे उनका नंबर दे दीजिएगा सर काशिप। मैं चले नंबर शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप जो है ना वो अकाउंट मैनेजमेंट से एक बार बात कर लीजिएगा, जो एडमिन वाला नंबर है ना उसके ऊपर आप अक्सर वो होते हैं एडमिन वाले, जो आप आपका वो है एक नंबर है वहाँ पड़ा हुआ, तो वो वाला जो है ना उस नंबर से आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, या आप जो जो भी आपका वहाँ अकाउंट मैनेजर था उससे बात करके ना कह दीजिएगा कि सर से बात करनी, वो शायद कोई हो सके, मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे मैं एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अदरवाइज ये है कि फिर वो ऑनलाइन कोई ना कोई स्किल सीखें, ऑनलाइन स्किल जिस तरह से ये आपके अमेज़न की स्किल है या कोई और स्किल भी हो सकती है ऑनलाइन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में बैठी हुई है जहाँ पर अमेज़न खुद मौजूद है, तो वो इस तरह की स्किल लें और उसके बाद जो है वो अर्निंग की तरफ आ जाए, वहां से घर बैठे हुए रिमोट लोकेशन सर। वो भी इसी तरह अगर कर्ज के लेना चाहती है तो वो भी इसी तरह फिर उधर बैठ के ऑनलाइन ले सकती है। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल लिंक उनको शेयर हो जाएगा और एग्जैक्टली वो जो है यहाँ जिस तरह मैं ले रही हूँ अभी फ्रांस से बैठ के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है, वो ले सकती है और इजीली ले सकती है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी और सर, हम साइबर पे और अपना खुद का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सर
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी एक सेकंड एक मिनट थोड़ा बारी बारी एक मिनट में दोबारा से जी अब एक एक करके जरा क्वेश्चन पूछें एक एक करके पूछें सर। नेक्स्ट क्लास होगी जी वकार हुसैन सर होगी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक का पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वीक नहीं है नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से मुश्किल है क्योंकि ईद है ना एक और सारों की कोई ना कोई कमिटमेंट होगी ईद के मौके पे तो बहुत पॉसिबल नहीं है ना वो तो ऑफिशियल छुट्टी है तो उसमें पॉसिबल नहीं है उससे नेक्स्ट वीक सर तो सर उसके ऑपोजिट हम और किसी दिन क्लास दे दीजिएगा आप हमारा तो फिर दिन चले मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई उसके ऑपोजिट में कोई लेक्चर रख लूं ठीक है या कोई इस तरह से कोई अरेंजमेंट कर लूं लेकिन वो एक एक वीक आगे शिफ्ट हो जाएगा बस ये मतलब वो उसमें आपकी क्लास मिस नहीं होगी सर आप जब भी शिफ्ट करें एक दो दिन पहले बता दीजिएगा। जी जी ईद वाली जो क्लास नेक्स्ट वीक की है वो मैं बता रहा हूँ कि वो तो जाहिर सी बात है किसी भी ईद के ऊपर बाद में शिफ्ट कर दूंगा तो आप पहले ये ना हो कि एक घंटा पहले बताएं फिर किसी टाइम इंसान घर नहीं होता या नेट बंद होता है इस वजह से कह रही हूं कि आप पहले मैं मेक श्योर करूंगा अगर कोई क्लास कंपल शिफ्ट करनी हो तो वो जो है वो तो फिर वो पहले बताना पड़ेगा वो मैं पहले डिसाइड करके बता दूं बल्कि एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया करेंगे इस दिन क्लास में ठीक है जी। और सर न्यू बैंक अकाउंट का सुन लें कि न्यू बैंक अकाउंट अगर ओपन किया है तो एक मिनट मुझे वेट कीजिए। अच्छा आप लोग अपना हैंड रेज कर लें ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना वो हो रहा है मैं एक एक करके नाम कॉल करता जाऊंगा ताकि आप लोग उस टाइम पर। अच्छा जो न्यू बैंक अकाउंट की बात है न्यू बैंक अकाउंट ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई हो ठीक है आपने जब भी अकाउंट ओपन करवाना है उसके बाद उसमें कुछ 4-5 हज़ार की 10 हज़ार की ट्रांजैक्शन आप एक दो दफ़ा निकलवा लें डिपॉजिट करवा लें ताकि वो अकाउंट एक दफ़ा रनिंग में आ जाए तो फिर उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। कौन सा अकाउंट बनवाना है करंट अकाउंट या कोई और करंट सेविंग बनवा लें बेशक कोई इशू नहीं कौन सा सेविंग बनवा लें सेविंग ठीक है करंट चल जाएगा लेकिन सेविंग आप बनवा लें जी। और कोई तो सर जी कार्ड कौन सा चलेगा क्रेडिट कार्ड चलाना है कौन सा कार्ड अगर क्रेडिट कार्ड है तो बेस्ट है अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर डेबिट कार्ड जो है वो उसमें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपने पास उसमें रखिएगा 8-10 हज़ार रुपया जो है वो अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ और उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपने ऑन करवा लेनी है क्रेडिट कार्ड जी। बहुत शुक्रिया जी। सर जी मैंने आपसे पूछना था कि फाइवर पे और अपवर्क पे तो हमारा अकाउंट बनेगा ना लेकिन सर मेरा ऑलरेडी दोनों पे अकाउंट है तो फाइवर पे जैसे हम गिग बना के अपलोड करते हैं वैसे हम अमेज़न की कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं उसी अकाउंट को यूज कर सकते हैं लेकिन वो अकाउंट आपका किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। वेब डेवलपिंग से है आपने सारे गिग्स उसके ऊपर वेब डेवलपिंग की लगाई हुई है। हाँ जी अच्छा चले उसमें एक गिग अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं या अमेज़न की भी एक या दो गिग्स हैं लेकिन बेस्ट यही प्रैक्टिस देखी गई है कि जो है अगर उसके लिए डेडिकेटेड अकाउंट अमेज़न के लिए सेपरेट हो तो वो चल सकता है और अगर सेपरेट अकाउंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है अदरवाइज इस तरह से आपका ऑलरेडी एक कुछ गिग्स चल रही हैं और अकाउंट रैंक्ड हुआ है तो फिर आप बेशक उसके ऊपर एक या दो गिग्स लगा सकती हैं अमेज़न की ना। मैं नेक्स्ट जैसे ये प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास आप लोगों की स्टार्ट करवा दूंगा या उसके ऊपर आपकी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी होगी तो आप जो है वो गिग प्रोडक्ट हंटिंग की भी लगा लीजिएगा उसके ऊपर। और अगर सर मैंने अलग से फाइबर का अकाउंट बनाना हो तो मुझे उसके लिए जीमेल की आईडी अलग से यूज करनी पड़ेगी जी सेपरेट। अच्छा बिल्कुल ये अच्छा सवाल है सेपरेट जीमेल की आईडी इस्तेमाल करनी पड़ेगी सेपरेट आपको फोन नंबर यूज करना पड़ेगा
और एक और बात आपने लाजमी लाजमी देखनी है कि उसके ऊपर आपने फाइबर का और कोई अकाउंट ओपन नहीं करना। अगर ओपन करना है तो एक ये प्रैक्टिस होती है कि आप डिफरेंट ब्राउजर को यूज करते हुए कर लें, लेकिन वो भी मोस्टली केसेस में रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन आपने ये हरगिज नहीं करना कि पहले वाला लॉग आउट करके अपना फाइबर का अकाउंट और दूसरा वाला लॉग इन कर लें, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है? अदरवाइज मतलब आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ब्लॉक। डिफरेंट ईमेल आईडीज पे डिफरेंट बन सकता है, लेकिन एक 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 डिवाइस के ऊपर, एक एक लैपटॉप के ऊपर सिर्फ एक ही फाइबर का अकाउंट रन करें। अगर दो डिफरेंट अकाउंट रन करेंगे एक ही ब्राउजर के ऊपर तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने यूज जी जी तो जो जो दूसरा वाला अकाउंट हो फिर उसको किसी और लैपटॉप पे लॉग इन कर लें जिसके ऊपर पहले हेलो सर और कोई फाइबर का अकाउंट जो है वो लॉग इन ना हुआ। जी ठीक है सर। जी मिस जी वन बाय वन पूछते जाएं, वन 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 बाय वन पूछते सर। यानी जैसे कि मेरे हस्बैंड का आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, जो आसान अकाउंट होता है वो चल जाएगा? आसान अकाउंट जो होता है? नहीं नहीं वो वाला ना चलाएं, जो जो हमारे पास अकाउंट्स हैं दूसरे वाले वो रन करें। तो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट ये डिफरेंट जो बैंक न्यू बनाना पड़ेगा। मैंने आसान अकाउंट वो देखा नहीं ना चलाया, लेकिन आई थिंक सो चेक करना पड़ेगा, चेक करने वाली बात है। अगर वो तो चेक करके, लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो वो चल जाएगा जो आपके नाम पे हो। सर मेरे नाम पे नहीं, फिर ऐसे भाई के नाम, फिर भाई की सारी डिटेल्स चलेंगी। जी और कोई सर? जी जी सर, एक मिनट आप दोबारा अपना क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, समझ नहीं आई। अब दोबारा आप अपने आप को अनम्यूट करके दोबारा क्वेश्चन करें। देखिए सारे अनम्यूट ना करें, अभी मैं जिस जिस से बारी बारी क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाला करें। जी आप करें, जी आप करें, आप क्वेश्चन करें आप। जी जो पहले पूछ रहे थे कोई डाउनलोडिंग के हिसाब से कोई क्वेश्चन था वो दोबारा क्वेश्चन करें। अच्छा चलें, और किसी का क्वेश्चन है? मिस्रिम से आपको यार हैंड रेज कर लें, ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम लग रहा है। हैंड रेज करें, मैं कॉल करता जाऊंगा नाम और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो क्वेश्चन करते जाएं। जिसका हैंड रेज होगा मैं उसी का आप क्वेश्चन लूंगा। सर मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया है सऊदी अरब से, उसमें मैंने ट्रांजेक्शन से की है, लेकिन उधर से पैसे निकाले नहीं है मैंने, न किसी अकाउंट को भेजे मैंने, वो चल जाएगा? चेक करने वाली बात है, अगर ठीक चल रहा है तो चल सकता है, उसको वेरीफाई करने की मेरे ख्याल से शायद चल जाएगा अगर वो, लेकिन वो आपके टाइटल अकाउंट टाइटल आपके नाम पे होना चाहिए। आप अपने नाम पे सर, लेकिन पैसे इधर से भेजे पाकिस्तान किसी अकाउंट में नहीं भेजे, सिर्फ ट्रांजेक्शन किए मैंने। चले वो चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप सऊदीया में तो सऊदीया के ऊपर अकाउंट, सऊदीया की मार्केट पे अकाउंट बना लें। इधर का बना है मैंने सर, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बना लो मैं। चले डन है, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा कि सऊदीया में बैठ के आप यहाँ से पेरेंट अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल वाला अगर यूज कर रहे होंगे उसका आई थिंक सो थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कोई मसला तो नहीं करेगा वो, या सऊदी गवर्नमेंट मसला नहीं होगा ना, ये चेक करना पड़ेगा। सही है सर, आप चेक कर ले अगर पाकिस्तान का अकाउंट अच्छा। जी मिस समरीन, जी जी ठीक हो गया। जी मिस समरीन आपका क्या क्वेश्चन है? मिस समरीन आपने, हेलो मिस समरीन आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा नेक्स्ट साबरी लैपटॉप्स वाले, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट वेट करें जी,
अभी मुझे जिन्होंने एड्रेस किया मैं उनको एक दफा जी मुझे सर मेरा क्वेश्चन है यानी मेरे हस्बैंड का बैंक अकाउंट है तो क्या मैं वो यूज कर सकती हूँ? और आपने फिर अपने अपने क्रेडेंशियल्स पे यूज नहीं करना, क्योंकि आपने अगर हस्बैंड का यूज करना है तो फिर जो है वो आपने सारी डिटेल्स उन्हीं की डालनी है, उन्हीं का CNAC, उन्हीं की सारी डिटेल्स के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। तो सर वो जो सात क्रेडिट कार्ड है वो भी उनका फिर यानी यूज हो सकता सब है सब कुछ फिर उन्हीं का, वो समझे अकाउंट ही उन्हीं का होगा, आपका नहीं होगा वो अकाउंट, आप बस उसको बना रही होंगी। तो सर अगर यानी हम नया अकाउंट खोलते फिर उसके लिए ज्यादा हमें यानी करना पड़ेगा अकाउंट नया ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर लें, उसमें हफ्ता 10 दिन की ट्रांजैक्शन और उसको थोड़ा सा ओल्ड होने दें अकाउंट को, देन जो है ना हफ्ता 10 दिन के बाद यानी कि फिर वक्त फिर हम यानी मैं अपने हस्बैंड का फिर कर सकती हूँ जी, सारी डिटेल्स फिर उन्हीं की यूज करनी पड़ेगी जी, सारी डिटेल्स उन्हीं की यूज करनी पड़ेगी जी। मिस आर्शिया कवल जी, अर्शिया कवल अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, मेरा आईडी कार्ड नहीं है और मेरा आईडी कार्ड बना भी नहीं हुआ और मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं किसके नाम पे बनाऊंगी? बस अगर आपके वालिद के नाम पे बना सकती हैं तो वहाँ पे बना लें, अगर जो है वो किसी और की जो सारी डिटेल्स आपके भाई के नेम पे है कोई तो वहाँ पर उनकी डिटेल्स को यूज करके बना सकती हैं। सर आई थिंक मेरे भाई के नाम है लेकिन मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है तो मैं अपने अबू का बनवाऊंगी जी। फिर वो जो है ना आप फिर अपने वालिद के नाम पे बना लें जी सर, उन्हीं की फिर सारी डिटेल्स यूज होंगी, CNAC उन्हीं का होगा सारा, सब चीजें उन्हीं की। सर पाकिस्तानी बनेगा या फिर अकाउंट या फिर बाहर किसी मुल्क का? पाकिस्तान से अकाउंट बनेगा पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, लेकिन आप जो अकाउंट होगा वो आपका उधर के लिए होगा या US के लिए होगा या UK के लिए होगा, दोनों कंडीशंस को आपको, लेकिन US के लिए आपका फ्री में ओपन अकाउंट ओपन हो जाता है फ्री वाला, और अगर आप जो है वो UK में जाएंगे तो वहां पर जो है वो उसके लिए कंपनी वैलिडिटी कंपनी है वो सस्ती सी बन जाती है, तकरीबन 20-25 pounds के अंदर जो है ना वो बन जाती है। वहाँ वहाँ का अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर है तो उनके लिए तो फिर मसला ही नहीं है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैंने आपसे पूछना था क्योंकि सर मैं अभी फ्रांस में हूँ और इधर बैठ के ऑनलाइन मैंने जॉब करनी है तो मेरा यानी कि सब कुछ क्रेडिट कार्ड जो भी मैंने जो जमा करवाया है मेरा सारा पाकिस्तान का होगा तो कोई मसला तो नहीं बनेगा? अच्छा, अगर आप का नहीं कहाँ पे जमा करवाया है? यहाँ पर जी, जो मैंने सर के लिंक में यानी कि भेज दिया, मैंने अपना पासपोर्ट क्रेडिट कार्ड सब कुछ जो है पाकिस्तान का ही है, बैंक अकाउंट जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो मैंने भेज दी है। मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं फ्रांस बैठ के अगर ऑनलाइन काम करूँगी तो उसके लिए मतलब मसला तो नहीं है? जिस तरह मैंने कोड लगाना है, कोड तो पता है आपको लाजमी लगाना पड़ता है काम के लिए जी जी, तो फिर उसके लिए मसला तो नहीं बनेगा? जैसे मेरी सारी चीजें मतलब पाकिस्तान आप फ्रांस का फ्रांस की डिटेल्स को यूज करते हुए फ्रांस में अकाउंट बनाएं, आप पाकिस्तानी डिटेल्स को ना यूज करें। अच्छा, लेकिन सर ने मुझे तो सर से होती रहती बात, लेकिन सर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा था हो जाएगा सब कुछ इस पाकिस्तान के आईडी से जी, पाकिस्तान की आईडी से हो सकता है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर वहाँ की आपकी डिटेल्स हैं तो बेहतर यह है कि हम वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लें अपने नाम पे, वहाँ वहाँ से ज्यादा इजीली बन जाएगा। जी चले, मैं कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज बेहतर ये है कि आप वहाँ की डिटेल्स के ऊपर जो आपका वहाँ का कोई आईडी कार्ड है बना हुआ उसके ऊपर और वहाँ का जो बैंक है वो उसको अटैच कर लें तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरा इधर का कार्ड बना हुआ है लेकिन मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी, सॉरी मिस, सर मैंने कहा मेरा अकाउंट नंबर नहीं बना हुआ लेकिन मेरा कार्ड है फ्रांस का।
अच्छा, चलें वो चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर अगर आपके जो हस्बैंड है वो वहाँ पर हैं मौजूद, तो उनकी डिटेल्स के ऊपर भी आप बना सकते हैं वहाँ पर। इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पर उस मार्केट प्लेस में हैं, और उस मार्केट प्लेस के कुछ लॉज भी हो सकते हैं कुछ रेगुलेशन के, जब यहाँ पे पूरी मार्केट प्लेस है तो वहाँ का पाकिस्तान की क्रेडेंशियल वाला अकाउंट यहाँ पर क्यों ओपन हो रहा है, उस केस में मैं सब कह रहा था, अदरवाइज बन सकता है, कोई मसला नहीं है यूज करने में या बनाने में, मसला नहीं है। जी जी सर, आप जो है ना सर से मजीद मैं कंफर्म कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। जी और कुछ? थैंक यू जी, और किसी का क्वेश्चन है? जी जी सर, ये सेलर अकाउंट ही होगा या बिजनेस अकाउंट होगा? ये सेलर अकाउंट होगा, सेलर अकाउंट ही, वो बिजनेस अकाउंट की बात हो रही है। यानी ये जो हम कर, ये सेलर अकाउंट के लिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सेलर अकाउंट के लिए। तो सर ये इंफॉर्मेशन आपको आपके नंबर पे थे या? अभी आप अपने पास ये सारी चीजें रखें, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट लाजमी निकाल के रखें, जो एटलीस्ट अगर 6 महीने की निकलवा सकते हैं तो वो निकलवा लें, अदरवाइज जो है वो 2 या 3 महीने की स्टेटमेंट आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो उस स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस लाजमी मैंशन हुआ हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अगर उस स्टेटमेंट को निकलवाते हैं तो उसके ऊपर अक्सर एड्रेस नहीं होता, तो वो एड्रेस को उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करना होता है, इसलिए जो है वो आप एड्रेस जो है वो लाजमी रखिए। जी मिस मनाहिल, जी मिस मनाहिल सर, हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद लैपटॉप पे अमेज़न ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल पे काम करेंगे? हम क्या करेंगे? अमेज़न ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल पे वर्क करेंगे? नहीं नहीं, अमेज़न की वेबसाइट पे काम करेंगे। और सर ऐसा लेक्चर के साथ और मतलब स्टार्ट कर दें, उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारी प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाएंगे, जो आज के लेक्चर को छोड़ के जो अगले आने वाले लेक्चर हैं उससे फिर इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। जी हाफिज जाहिद, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ना क्लास आज ही ज्वाइन की है, तो मुझे ना ये पहले समझा दे कि जो आपने कुछ बताया था कि NIC की कॉपी वगैरह और वो क्रेडिट कार्ड जो होता है, मेरा तो अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा साइड एरिया में हूँ सिंध के इलाके से। ठीक है, तो मुझे यानी कि अभी ये आज मैंने क्लास भी आज ही आपकी ज्वाइन की है, तो आपसे आज मेरी पहली बात हो रही है, तो मुझे आप थोड़ा सा समझा दें कि सबसे पहले जो आपने कहा था अभी अकाउंट बनाने के लिए, तो वो बता दें भी अभी मेरे पास तो मतलब कार्ड वगैरह जो ATM में होता है वो कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या चीजें मतलब CNC आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास? जी स्मार्ट ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिस भी अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और अगर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे यूटिलिटी बिल मांगते हैं तो वो आपके मौजूद होना चाहिए। एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि जो आपका एड्रेस है, जो CNEC के ऊपर एड्रेस है, जो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर या बैंक अकाउंट के ऊपर एड्रेस है, स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो यूटिलिटी बिल का जो एड्रेस है वो भी सेम हो, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अक्सर वो जो एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन वो करते हैं डिफरेंट जगहों से, तो आपका एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो सर इससे पहले मतलब मैं सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाऊं बैंक में? ये अकाउंट ओपन करवा ले, अकाउंट ओपन करवाने के बाद मतलब फिर उसी में फिर ATM मिल जाएगा मुझे कार्ड? जी जी मिल जाएगा उसी में, आप ATM के लिए उन्हीं को कह देंगे तो वो आपको ATM प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा दीजिएगा। अच्छा, तो सर उसके लिए फिर उनकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए इतना या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कुछ? इसमें से कर लीजिएगा, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, देन जो है ना वो मींस के उसमें 5-7 हज़ार 10 हज़ार की एक दो दफा निकलवा लें और डिपॉजिट करवा लें। अच्छा ठीक है, ताकि वो रिकॉर्ड के अंदर आ जाए, अकाउंट रनिंग में आ जाए।
ठीक है सर, इससे पहले अभी तक ये जो अभी बैच शुरू हुआ है इसका पहला अभी हुआ है ना आपका लेक्चर, इससे पहले मतलब बस समझ लें, पहला तो नहीं, आज ये दूसरा लेक्चर आप इसको दूसरा। तो सर मुझे इसकी, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं ना थोड़ा साइड एरिया में हूँ, तो आज बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है, तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी जी कल तक आपको मिल जाएंगी। तो ग्रुप में मिल जाएगी या पर्सनल में मिलेगी? ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ठीक है तो सर अभी क्लास कब तक जारी रहेगी? 2 घंटे क्लास होगी। 2 घंटे क्लास होगी और 10 से 12 का टाइम है वाला। जी जी आई होप कि सारों के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हो गए होंगे। अच्छा मिस फौजिया आप अपना जल्दी से क्वेश्चन कर लें। जी मिस फौजिया, अच्छा मोहम्मद अली सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना ये था कि मेरा अकाउंट तो है SBL में भी है, अल हबीब में भी है, लेकिन SBL का मैं काफी टाइम से जो है ना वो रन नहीं किया था क्योंकि काफी दूर ब्रांच थी, तो क्या ये दोनों अकाउंट चल सकते हैं? अल हबीब वैसे मेरी अभी रनिंग में है। जी चल सकते हैं, लेकिन उसमें देखने के एड्रेस आपका सेम हो, एड्रेस का इशू ना हो। अच्छा लेकिन सर मैंने कोई और वीडियो देखी थी जिसमें, जी जी सर मैंने एक और वीडियो देखी थी इनेबलर्स की ना, तो उसमें शायद ये बता रहे थे मिजान बैंक, फैसल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इस तरह के बैंक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अल हबीब का कुछ बताया नहीं था, तो मैं अभी सोच रही थी मिजान बैंक में अकाउंट खुलवाने का। मिजान बैंक को तो ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, मिजान बैंक के इश्यूज कम है अगर अगर हो सकता है तो, अदरवाइज दूसरे अकाउंट भी चल जाते हैं। ठीक है सर, अगर मैं अमेजन बैंक में अकाउंट खुलवाती हूँ तो मींस मैं एक दो ट्रांजैक्शन भी करवा देती हूँ विद इन अ मंथ, तो क्या फिर मेरा प्रोसेस हो जाएगा? मतलब जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2 महीने या 3 महीने होल्ड होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट होगी? नहीं हो जाएगा, उसमें 2-4 ट्रांजेक्शन कर लें, मीन्स कुछ पैसे एक दो दफा डिपॉजिट करवा के 5-7 हज़ार रुपया देन निकलवा लें, एक दो दफा ATM यूज करने देन हो जाएगा, उसमें स्टेटमेंट में आ जाएगा, वो स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा कि कुछ ट्रांजैक्शन हुई है इसमें अकाउंट। ठीक है ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे अगर रेंट का घर हो और यूटिलिटी बिल जाहिर है वो आपके नाम पे नहीं हो सकता, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है? एड्रेस सेम होना चाहिए, जिस एड्रेस के ऊपर आपका आप अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसके एड्रेस से सेम होने चाहिए, तो क्रॉस वेरिफिकेशन में एड्रेस आपको लाजमी रिक्वायर्ड होता है, एड्रेस की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और यूटिलिटी बिल का कोई मसला नहीं अगर मेरे नाम पे नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं? बेहतर तो ये है कि आपके नाम पर हो, अगर ना भी हो तो चले, ये है कि उसका एड्रेस लाजमी सेम होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट का, यूटिलिटी बिल का और एड्रेस सेम होना चाहिए। चलें ठीक है, अगर PTCL वगैरह का वैसे तो मैं चार्ज ही डिवाइस कर रही हूं, बेहतर है अगर PTCL का, अगर PTCL का बिल वगैरह हो तो बेहतर है, वो आपके नाम पर हो तो बहुत अच्छा है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी मोहम्मद अली साहब। सर जी मैंने ना बैंक से पता करवाया था कि हम मेरा अकाउंट बन जाएगा, तो वो कह रहे थे कि अभी ही मैंने, क्या कहा था उन्होंने? कह रहे थे अभी नहीं बनेगा। अच्छा फिर अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉरी, आप फिर अपने नाम पे नहीं बना सकते, नेक्स्ट आप जो है वो किसी और, अपने वालिद के नाम पे या किसी और के नाम पे बना सकते हैं। तो मम्मा के नाम पे बना सकता? जी बनवा सकते हैं, लेकिन सारी डिटेल्स उन्हीं की यूज होंगी फिर, उन्हीं का फिर कार्ड वगैरह सारी चीजें उन्हीं की यूज होंगी। चलो ठीक है, एक चीज याद रखे, जो भी जिस भी पर्सन के नाम पे आपने बनवाना है सारी डिटेल्स फिर उसी की डालनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट नंबर आप उनका डाल रहे हो और CNC आप अपना डाल रहे हो, एड्रेस आप कोई और डाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक रियल टाइम अकाउंट बनेगा जिसके ऊपर आपने बिजनेस करना है, इसलिए वो डिटेल सारी जो है वो रियल टाइम होनी चाहिए। अच्छा जी मिस आसिमा रफीक। हेलो सर जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जो सा NIC है वो उर्दू का है, तो स्मार्ट स्मार्ट पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मार्ट में करना है, उर्दू वाला नहीं चलेगा, जिनका ये क्वेश्चन है वो पहले से ही इसको आंसर देख लें कि वो स्मार्ट में चलेगा।
अच्छा, और इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि वो जो सी हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो 2-3 महीने पहले की हो या 6 महीने की हो? 6 महीने की हो तो बेस्ट है, अदरवाइज 1-2 महीने की भी चल जाएगी। अच्छा सर, सही हो गया ये। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि एड्रेस सेम हो, अब एड्रेस सेम का मतलब क्या है कि एक ही जगह एक शहर का नाम सेम है, क्योंकि जो मेरा CNIC है उस पे मेरा जो विलेज एड्रेस है वो लिखा हुआ है, स्मार्ट कार्ड ही है मेरा, लेकिन जो मेरे बैंक अकाउंट्स हैं वो उसके जो या बैंक स्टेटमेंट मंगवाऊंगी वो तो सब शहर के बने हुए हैं। एक तो ये कर दें क्लियर, और दूसरा अकाउंट और ये सब कुछ तो मेरे अपने नाम पे है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हस्बैंड का चल जाएगा या वो भी मुझे? नो नो नो, आपका आपके अपनी डिटेल पे सारा कुछ चलेगा, आपकी डिटेल्स होना चाहिए, एड्रेस सेम होने चाहिए। डेबिट कार्ड चल जाएगा? चल जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा दें। और सर एड्रेस का क्लियर कीजिएगा, अब जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं वो मेरे नाम पे तो नहीं है, हस्बैंड के नाम पे, और अब हम लोग नाम का चलें यूटिलिटी बिल के नाम के ऊपर, वैसे इशू आता था स्टार्ट में, अब मेरे ख्याल से कुछ अकाउंट बने हैं जिसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ एड्रेस को वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ से, तो एड्रेस वहाँ का सिर्फ जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। मेन ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस है जी वो आपका और वो सेम होना चाहिए, आपकी यूटिलिटी बिल का सेम होना चाहिए, और अगर CNIC का जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। फर्ज करें आपका कोई यहाँ पर भी आप रह रहे हैं, CNIC का अभी उन्होंने करना शुरू किया, पहले हम CNIC का कंसिडर नहीं करते थे तो उसका एड्रेस जो है वो सेम हो, लेकिन हम दो चीज़ों का एड्रेस पहले सेम कहते थे कि आपका जो है जो जो भी एड्रेस आप डालने जा रहे हैं अपने सैलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर वो एड्रेस और यूटिलिटी बिल का एड्रेस और जो बैंक अकाउंट का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई रद्दो बदल या किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम कंसिडर करते थे। लेकिन अभी आप जो है वो ये देख लें, कंसिडर कर लें कि आपके एड्रेसेस सेम होने चाहिए, एड्रेसेस अगर डिफरेंस होंगे तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन नहीं करेगा उसको, सर वो ही थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लाइव इंटरव्यू लेंगे और वो उसके बाद। जी जी सर, एड्रेस डिफर होने का मतलब ये है क्या है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मेरा CNIC पे मेरा विलेज एड्रेस है वो लैया में एग्जिस्ट करता है, मैं लैया से बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस जगह पे मैं रह रही हूँ मैं सिटी एरिया में रह रही हूँ, में जो आपका CNIC पे यूज हुआ है आपके बैंक में? नहीं, वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। मुझे कहाँ चेंज करवाना पड़ेगा? नहीं, आपको एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा, अपने बैंक पे जाके अपने CNIC वाले एड्रेस पे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। जी ठीक हो गया। और सर काइंडली ये ना एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा जो आपने कहा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हमें तैयार रखने, लिस्ट कर दें या तो हमें मैसेज? ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैसेज कर चुका हूँ मैं, दोबारा कर दूंगा मैसेज। अच्छा, क्योंकि मैंने स्टार्ट का लेक्चर नहीं सुन सकी इसलिए मुझे नहीं क्लियर हो कि क्या क्या चीजें हमने। जी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा अभी, आई थिंक पहले शेयर है तो दोबारा शेयर कर दूंगा, अगर वो देखने ग्रुप के अंदर आप लोगों का शेयर्ड होगा कोई बंदा दोबारा उसको रिपीट करके वहाँ पे पेस्ट कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि मेरा CNIC तो बना हुआ है लेकिन उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, स्मार्ट कार्ड है तो ठीक है चल जाएगा, वो एड्रेस उर्दू में बाकी सारा इंग्लिश में, ठीक है सही है, ठीक है जी सर। जी और सामने कर रहा हूं। जी वाले सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो अभी कह रहे थे आपके नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस होगी तो ये प्रैक्टिस हमारी मोबाइल पे चल जाएगी या इसके लिए हमें लैपटॉप लेना पड़ेगा? लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप पे आपको काम करना पड़ेगा। म्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मोबाइल पे नहीं हो सकता? मोबाइल पे नहीं हम कर सकते, लेक्चर्स वगैरह ले सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए, जब टूल्स वगैरह की रनिंग होगी
जब आप लोगों ने प्रोडक्ट हैंडलिंग स्टार्ट कर दी है देन आप जो है वो मेरा आवाज नहीं थी सारी मैंने कहा जब आपने टूल्स वगैरह के लिए एक मिनट वेट कीजिए मैंने ये कहा कि जब आपने टूल्स वगैरह पे काम करना है तो उस वक्त जो है वो आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट सॉरी उस टाइम आपको लैपटॉप जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी जी आई होप तो सारों के क्वेश्चंस हो गए सर मेरा स्टार्ट कर ले सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा आईडी कार्ड पे एड्रेस मेंशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हांगकांग में एड्रेस नहीं मेंशन करते नहीं फिर नहीं होगा फिर पॉसिबल नहीं है अगर एड्रेस नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी है विदाउट एड्रेस वो ये यूएस का यूके का अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे तो सर अब यहाँ पे आईडी कार्ड पे मेंशन नहीं करते तो फिर वो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें अमेज़न वाले भी कुछ नहीं कर सकते अभी इसका तो ये मसला हो गया सर मेरा आवाज सुनिए और सर पाकिस्तानी आईडी कार्ड वो पर मेरा उर्दू में है स्मार्ट कार्ड में चेंज करवाना मेरी बात सुनिए सर आप फर्स्ट एब्सेंट थे तो मुझे लेक्चर का बिल कर कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे भी सेंड किया किसी और सर ने जी आप पूछे अस्सलाम वालेकुम सर सर मैं अभी इंक्लूड सर मुझे कुछ भी नहीं पता था लेक्चर का सर सैफुल्ला आज एब्सेंट थे तो उन्होंने किसी और सर ने मुझे लेक्चर का नहीं पता तो प्लीज आप अस्सलाम वालेकुम सर कर दें ये देखिए मुझे अभी अभी जो है ना वो लेक्चर की तरफ आने दें आप लोगों के जो रियल टाइम क्वेश्चंस हैं उनको करें जो सैलर सेंट्रल अकाउंट से रिलेटेड मसाइल थे उसके बाद वाले जो है वो फिर लेक्चर के अंदर जैसे जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया इसी क्वेश्चन के ऊपर और मोस्टली लोगों के अंदर आंसर्स हो गए होंगे जो अब ऑलरेडी सर मेरी आवाज सुने जी जी वीजा कार्ड चलेगा चल जाएगा जी लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ठीक है सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर मैंने ये पूछना था जैसे अभी आपने कहा कि अमेज़न का अकाउंट हो तो उसकी ट्रांजैक्शन एक दो अगर आप न्यू करवाते तो चल सकते हैं अगर यूबीएल पे भी आपने न्यू अकाउंट बनाया तो उसकी भी ट्रांजैक्शन एक दो जी, जो भी है उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री के ऊपर है ना थोड़ी हिस्ट्री उसकी क्रिएट कर लें अकाउंट की तो देन वो जो है ना वो बेहतर है सर जी थैंक यू सर जी सर मेरा क्वेश्चन ये कि मेरा जो CNIC है उसके ऊपर एड्रेस मानसर का है तो हम रावलपिंडी में रहते हैं तो अकाउंट यहाँ का बनाएंगे तो फिर कैसे हो सकता है जी कोशिश की जा सकती है कि हो जाए लेकिन उसमें ये होगा कि हम जो CNIC का एड्रेस है वो नहीं इंक्लूड करेंगे हम फिर वो मानसेरा जो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो वाली हम आप यूज करेंगे फिर अगर वो क्रॉस वेरिफिकेशन में यूटिलिटी बिल मांगते हैं तो यूटिलिटी बिल के ऊपर आपका एड्रेस सेम होना चाहिए जो आपका मनसेरे वाला एड्रेस है जी जी सर सर जैसे जैसे यूज करके देख सकते हैं कि शायद कोई इतराज ना करे मुस्तकिल पता जो है वो बकर का लिखा हुआ है जो मौजूदा पता है वो हमेशा गुजरात में रह रहे हैं अब ठीक है वो वाला यूज कर लेंगे वो वाला यूज कर लेंगे लेकिन हम CNIC का एड्रेस नहीं यूज करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट का एड्रेस होगा उसको सैलरी सेंट्रल अकाउंट पे यूज करेंगे लेकिन यूटिलिटी बिल आप लोगों फिर क्रॉस वेरिफिकेशन में बेहतर है आप लोगों का अपने नाम पे और उसके एड्रेस पे हो ताकि उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन इजीली हो जाए जी सर जैसे हम किसी और की मतलब बैंक अकाउंट उनका ही सारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे फिर नंबर भी हम जैसे लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं फिर उन्हीं के नंबर पे हम सारा काम करेंगे नंबर से मुराद मतलब मुराद जैसे कोई कस्टमर डील कर रहे हैं वो यानी फोन नंबर पे हमसे रब्ता कर रहे हैं तो फिर वही नंबर चलेगा उनका आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं कोई मसला नहीं नंबर से कोई नहीं है अपना फोन नंबर भी यूज कर सकते हैं जी जी सर फिर मेरा अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि मैंने आपको सर किस कंडीशन में बता रही हूँ सर मैंने आपको बोला कि मैं हांगकांग में यहाँ पे एड्रेस नहीं मेंशन होता NIC पे
तो फिर इस सूरत में ट्राई करके देख लेंगे, स्मार्ट कार्ड है ट्राई करके देख लेंगे, अगर बैंक अकाउंट आपका अपना है और यूटिलिटी बिल वो नहीं है सर, वो मैंने अभी बनवाने जाना था, मंडे को बनवाने जाऊंगी, लेकिन ये कि अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं ना बनवाऊं क्योंकि फिर मुझे जरूरत नहीं है वैसे, तो अगर आप कहते हैं कि चांस है तो फिर मैं जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लूं। ट्राई करने वाली बात है ये, क्योंकि एड्रेस की रिक्वायरमेंट लाजमी है, लेकिन ट्राई किया जा सकता है कि चले ट्राई करके देख लेते हैं अगर बनाते हैं तो, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर आपके दो एड्रेसेस आपके पास लाजमी होने चाहिए, बैंक अकाउंट का एड्रेस और जो यूटिलिटी बिल का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए आपका, क्योंकि उन्हीं एड्रेसेस को हम सेलर सेंटर में यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक बिल का सर कोई सभी हो सकता है, गैस का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, पीटीसीएल का बिल, कुछ भी हो सकता है। वो सर वो तो यहाँ पे आपको पता है रेंट के घर होते हैं, तो वो तो मेरे नाम पे नहीं है एड्रेस सरा। नहीं, जो आपका आप देखें लेफ्ट, जो आपका एड्रेस वहाँ पर यूज हुआ हुआ है, जो आपके बैंक में एड्रेस यूज हुआ हुआ है, वो तो सर मैं जिस घर में रह रही हूँ अभी, मैं अभी जाऊंगी तो इसी घर का एड्रेस दे, लेकिन ठीक है फिर ठीक है। और किसी के नाम पे आ रहा होगा ना उसका यूटिलिटी बिल, किसी नाम पे उसी एड्रेस पे आ रहा होगा ना। जी जी उसी ना, वो किसी और के नाम पे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आई थिंक तो नहीं है प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम करते थे अब नहीं है प्रॉब्लम कर रहे इतना मेरे ख्याल, लेकिन एड्रेस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एड्रेस सारी जगहों पे सेम होना चाहिए। ओके ठीक है सर। सर ऑलमोस्ट पूरा आवर हो गया है, हम क्लास स्टार्ट करें तो बेहतर है, एक घंटा हो गया है। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब ये मल्टीपल रिपीटिशन में क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत। जी ओके सर, आप क्लास शुरू करें प्लीज। जी सर आप क्लास शुरू करें, वही नहीं घंटा हो गया। सर आपने कहा था कि एफबी और एफबीएम के बारे में पढ़ के आना है। हाँ जी हाँ जी, वो क्या आप लोगों ने पढ़ा है वो वाला है? जी उसमें जी पढ़ के आए हम थोड़ी बहुत ना, यूट्यूब से समझ आई इन्फॉर्मेशन ली है। जी सर जी थोड़ी जी सर समझ आई है। एफबी का मतलब होता है फुल बाय फिल्म बाय अमेज़न, और एफबीएम का मतलब है फुल। FBA एक प्रोडक्ट है सर। सर जी हमारा तो आज फर्स्ट डे है, हमें थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन चले, मुझे अभी स्टार्ट करने दे, मुझे स्टार्ट करने दे, देन मैं अभी फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, मुझे भी स्टार्ट लेने दे जरा। मैं थोड़ा सा जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा था कॉमर्स क्या है, हमने कहा कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल दुनिया में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं उसको कॉमर्स कहा जाता है। और ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो होती है जो कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हुए बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं। फर्ज करें आप दराज के ऊपर गए, दराज के ऊपर जो एक एक्टिविटी है वो अगर आप वहां से बाय एंड सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो जो चीज होगी वो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हुए ओवर द इंटरनेट जो चीज बाय की है वो ई कॉमर्स है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स, वही बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी होगी। अच्छा इसकी टाइप्स थी B2B B2C। जब आप बल्क में बात करेंगे, दो बिजनेस करें बाइंग एंड सेलिंग करें तो वो B2B होगी। अगर कोई बिजनेस सर जी जी मिस सर जी हम नए आए हैं तो हमें थोड़ा समझा दीजिए क्या आप कह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से। एक्सक्यूज मी सर एक मिनट मेरी बात सुने, जो न्यू स्टूडेंट्स है और जो पहले, आज हमें तकरीबन चौथा हफ्ता हो रहा है तो आप एक ही सवाल बताए जा रहे हैं, तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए अलग क्लास रखी है जो फिर? जी जी उनके लिए अभी अभी ये स्टार्ट, ये थोड़ा सा एक हफ्ता बीच में थोड़ा सा गैप आया है शायद इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करवा रहा हूँ, और आपकी बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको क्लास जो कल वाली क्लासेज है वो आपको शेयर हो जाएंगी दोनों इकट्ठी कल के लेक्चर में, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। ओके सर थैंक्स, यही कहना था कि हमें ना लास्ट वाले बता देना जो हो, तो इंशाल्लाह ना ग्रो कर लेंगे। जिप कोड हमने फाइंड आउट करने थे तो मैंने लंदन का किया था E11PQ, तो वो मेरे वहाँ पर आने दें, अभी मुझे आने दें, अभी वहाँ पे सबको म्यूट, मैं अभी म्यूट करने लगा हूँ सबको। अब मेरी बात एक दफा सुन लें कि मुझे जरा लेक्चर को स्टार्ट करने दें, फ्लो में आने दें, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
उसके बाद मैं सारों के क्वेश्चन दूंगा और आप एंड पे सारों के क्वेश्चन दूंगे, अभी अभी लेक्चर को डिलीवर होने दें। अच्छा, हमने उसके बाद बात की थी जी, अब हमने उसके बाद बात की थी बी टू बी क्या होता है, जब दो बिजनेसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो बी टू बी कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल दी थी, मैं फर्ज करें यहाँ पर कहता हूँ अली बाबा के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से कोई चीज़ मैं बाय एंड सेल करूंगा तो वो जो चीज़ क्या कहलाएगी, वो बी टू बी होगा। मतलब दो बिजनेस जब बल्क में, जब आपने होल सेल में बात करनी होती है वो बी टू बी होता है। जब होल सेल से जो है वो एक एक करके कोई बंदा बाय करता है, जो एंड कंज्यूमर या एंड कस्टमर है वो जब आकर बाय करेगा वो बी टू सी कहलाएगा। अच्छा, सी टू सी आप भी एंड यूजर है, कोई और भी एंड यूजर है वो सी टू सी है। उसके लिए एग्जाम्पल हमने कही थी कि ओएलएक्स जो है वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके थ्रू जो है वो हम जाकर अगर कोई बाइंग फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल लिखता हूँ कोई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेचने वाला है वो भी एंड यूजर है और जो खरीदने वाला है वो भी एंड यूजर है। इसका मतलब वो जो चीज़ होगी वो आपका सी टू सी होगा। इसका मकसद रियल टाइम में बिजनेस करना नहीं था, इसका मतलब सिर्फ ये था कि ये कुछ ना कुछ अपडेशन करना चाह रहा है या उस चीज़ को निकाल के कोई नई चीज़ लेना चाह रहा है, तो वो इस कंडीशन में थी। ठीक है, तो ये जो था वो सी टू सी था। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था एक सी टू बी होता है, जो कंज्यूमर या कस्टमर टू बिजनेस होता है, वो मेजर टाइप नहीं होती। उसमें आपके पास फाइबर है और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जो कि आप किसी बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज या ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सी टू बी कहलाता है। अच्छा, ये हमने कुछ मेजर टाइप्स पढ़ी थी कि ये आपकी टाइप्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप कॉमर्स और ई कॉमर्स को देख मोस्टली ई कॉमर्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हमने कहा सर फेरिस्ट जो है वो Amazon का आपके पास प्लेटफॉर्म है, देन eBay, Walmart, Etsy, Alibaba और Shopify। eBay और Walmart भी B2C एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही, इनके भी कुछ ना कुछ मॉडल्स काम करते हैं जैसे Amazon के काम करते हैं। अगेन आपको Amazon के ऊपर अगर काम आ जाता है तो इन मॉडल्स के ऊपर भी आप इजीली काम कर सकते हैं। Etsy एक ई कॉमर्स का स्टोर है B2C, यहाँ पे मोस्टली जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स वहाँ यहाँ पर बिकती हैं Etsy के ऊपर। Alibaba ग्रुप जो आपका ऑलरेडी एक बी टू बी का ग्रुप है जहाँ से हमने सोर्सिंग करनी है चाइना वगैरह से, वो सारी यहाँ से करेंगे। Shopify एक ग्रुप है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप अपना ऑनलाइन एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये मोस्टली लोग इसको ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं और अली एक्सप्रेस जैसे जो स्टोर्स हैं उनको साथ अटैच करके वहाँ से जो है ये ड्रॉप शिपिंग की जाती है Shopify के ऊपर। लेकिन हमारा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो टॉप पे जिसके ऊपर हमने काम करना होता है, जो सबसे ज़्यादा वर्थ रखता है अमेजोन, वो तकरीबन 66% अमेजोन जो है वो जो पूरी ई कॉमर्स की दुनिया में वर्थ रखता है और जिसका सबसे बड़ा जो अमेजोन की मार्केट प्लेस है वो यूएस के अंदर है। और यूएस के अंदर अगर इनके कस्टमर बेस की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 11 से 12 करोड़ की ऑडियंस है, जो बल्कि 15 करोड़ की ऑडियंस है, 150 मिलियन तक की ऑडियंस है जो यूएस के अंदर है। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्राइम मेंबरशिप होती है जिनकी, मींस क्या कि वो अमेज़न को बाय कर वो मेंबरशिप देते हैं, मींस मंथली बेसिस के ऊपर वो एक मेंबरशिप $14.99 की होती है वो पे करते हैं और उसके वेवज वो अपने वहां पर बायर के तौर पे वहां पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। उसके कुछ फवायद होते हैं कि उन्हें मतलब डिलीवरी जो है वो सेम डे मिल जाती है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें ऑफ डे में डिलीवरी मिल सकती है, इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज अमेज़न प्राइम डे की प्राइम मेंबर की, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर है। हर तीसरा जो अमेरिकन है, हर तीन में से एक जो अमेरिकन है वो उसके पास प्राइम मेंबरशिप है। एक तो ये कि आपने अमेज़न का जो बायर अकाउंट कौन सा होता है, ये वाला अकाउंट जो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला जो अकाउंट है जो बायर एंड पे है जहाँ से आपने चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे दराज का अकाउंट होता है तो आप बायर अकाउंट, और ये फ्री बन सकता है, इसका कोई वो नहीं होता, सिर्फ एक ईमेल के ऊपर या जीमेल या आपका फेसबुक के साथ अटैच होता है, तो एक ईमेल के ऊपर ये जो है वो आपका ये क्रिएट हो जाता है या बन जाता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बायर अकाउंट। इस अकाउंट का एक प्राइम वर्जन भी होता है जिसको प्राइम मेंबर्स कहा जाता है या प्राइम बायर्स कहा जाता है, वो जो है वो अमेज़न को डेली मंथली बेसिस के ऊपर $14.99 पे करते हैं और उसके एवज वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं।
ठीक है, तो वो जो अगर तादाद की जाए तो वो भी तकरीबन हर तीसरा अमेरिकन जो है वो अमेजोन का प्राइम मेंबर है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है। इसकी ओवरऑल अगर ऑडियंस की बात की जाए तो इसकी टोटल ओवरऑल ऑडियंस जो है वो तकरीबन तकरीबन 25 से 30 करोड़ की ऑडियंस बनती है। 200 मिलियन प्लस की ऑडियंस जो है वो इसकी बनती है, 200-250 मिलियन प्लस की जो ऑडियंस है जो अमेजोन के ऊपर एज अ रजिस्टर्ड बायर्स हैं। अगर इसकी क्लिक की बात की जाए कि इसके ऊपर जो क्लिक्स हैं जो अमेजोन के ऊपर वो कितने आते हैं, वो बिलियंस के अंदर आते हैं। वो तकरीबन जो है वो ये इसको आप कह लें कि 3 से 4 अरब जो है वो इसके ऊपर क्लिक्स हैं जो कि मंथली बेसिस के ऊपर अमेजोन के ऊपर आते हैं खाली। फर्स्ट करें मैंने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, मैं जाके कोई प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, इसका मतलब मैं भी जो है वो एक इसके अंदर जो है वो ऐड हो गया हूँ एज अ क्लिक के तौर पे या एज अ विजिटर के तौर पे। अच्छा, अब इसके कुछ स्टैट्स को देख लेते हैं कि अमेजोन के स्टैट्स क्या हैं। अच्छा काइंडली अपने आपको म्यूट रखिएगा, आपकी रिकॉर्डिंग में फिर इशू आएगा, फिर ये देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तब आपने अपने आपको अनम्यूट करना, अदरवाइज म्यूट रखें अपने आपको। मैं अभी आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, देखें अगेन फिर किसी ने ओपन कर लिया है। हाफिज जायद साहब अपने आप को म्यूट रखे हैं, एंड उज़्मा अच्छा मैं यहां से जो है वो अब आप लोग ना अपना है अच्छा अब उसके बाद देखें जी के अब हम अपने अमेजोन के स्टैट्स की तरफ आते हैं कि अमेजोन के स्टैट्स हमें क्या कहते हैं या अमेजोन के स्टैट्स किस तरह के होते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अमेजोन के कि आप अमेजोन को क्यों चूज करेंगे एज अ मार्केट प्लेस या एज अ वर्किंग मार्केट प्लेस जो है वो आप किस बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमेजोन की कुछ पॉपुलैरिटी की बात कर लेते हैं कि अमेजोन क्यों पॉपुलर है। इसके अगर देखें तो अमेजोन हेडेड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग ऐप इन यूनाइटेड स्टेट। ये देखें एज एन ऐप 150.6 मतलब 15 करोड़ तकरीबन 15.5 करोड़ जो है वो मिलियंस मोबाइल एप्स यूजर्स ने 2019 के अंदर ये ऐप एज अमेजोन ऐप को यूज़ किया है। ये 2019 का डाटा आप दिखा रहा है, इससे ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा डाटा हो गया होगा अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसके यूज़र हो गए। अब कस्टमर ट्रस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि अमेजोन के ऊपर जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, 89% कस्टमर ट्रस्ट है जिसकी वजह से अमेजोन को जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इस कस्टमर ट्रस्ट की मैं बात आगे भी जाके आपको बताऊँगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम मेंबर्स, ये अमेजोन प्राइम मेंबर्स कौन से होते हैं जो एज अ प्राइम बायर्स है। मैं अमेजोन प्राइम बायर्स यहाँ से खोल भी लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैं आप लोगों के सामने जो ये खुद सर्चेस करता हूँ इस वजह से करता हूँ कि आप लोगों को एक आदत हो खुद से जो है ना वो सर्च करने के लिए, ताकि आप लोग जो है ना वो सर्च कर सके। अदरवाइज ये मैं बहुत से जो लिंक्स हैं वो मैं अपने पास सेव भी रख सकता हूँ और वहाँ से क्लिक करता जाऊँ और वहाँ पे करता जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसलिए करता हूँ कि आप लोग भी जब इसको सीखने के अमल में रखें या कुछ इस तरह का, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपने सामने ही ओपन कर लें या सर्च करके देख लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक दो अकाउंट देख लेता हूँ।
अच्छा यहाँ पर मैं चले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो प्राइम मेंबर्स का ये देख लें कि अमेजोन के जो प्राइम मेंबर्स होते हैं उनको एक तो डिलीवरी जो है वो सेम डे पे मिल जाती है, ऑफ डे के अंदर भी डिलीवरी मिल जाती है, और जो डील्स एंड डिस्काउंट्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लगी होती हैं वो उनको दिखाई देती हैं। बाकी जो फ्री वाले अकाउंट्स के ऊपर होते हैं उनको मोस्टली वो जो है वो उनके लिए ओपन नहीं होती। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए जो लोग हैं वो प्राइम अकाउंट को या प्राइम मेंबरशिप जो है वो लेते हैं वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम ये ट्रस्ट की हमने बात कर ली, 150 मिलियन तकरीबन यूजर, तकरीबन 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि करंटली प्राइम मेंबर्स हैं, तो प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, और वो तकरीबन 2020 का ये डाटा है आपके पास। अच्छा, ये एक रेवेन्यू का चार्ट है, मैं आगे रेवेन्यू का चार्ट भी दिखाता हूँ अमेजोन का, कि किस बेसिस के ऊपर हम अमेजोन को चूज करते हैं एज एन आवर विनिंग मार्केट प्लेस। तो उसको हम देखते हैं, 125.6 बिलियन मींस इतने बिलियन डॉलर का जो है वो इसका रेवेन्यू था 2020 में। आपको भी याद होगा, अभी जो हमें आई थिंक सो जो वो उसके लिए है, चलिए सी पैक की बात कर लें, तो सी पैक ने जो हमारे साथ मुआहदा उस टाइम किया था वो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का था। ये क्वार्टर का क्या मतलब है कि इसके तीन महीने, ये अमेजोन का पूरा साल जो है वो चार क्वार्टर्स पर मुश्तमिल होता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 के ऊपर। तो Q1 बेसिकली क्या होता है कि आपका जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये Q1 होता है, और इसी तरह से Q4 जो है वो लास्ट क्वार्टर होता है, और लास्ट क्वार्टर सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट क्वार्टर होता है जिसमें अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जब बिजिएस्ट इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो तीन चार किस्म के एक इवेंट्स आ रहे होते हैं, जैसे क्रिसमस आ रहा है, और इनका ब्लैक फ्राइडे उसमें आ रहा होता है, और इस तरह के कुछ जो है ना वो इवेंट्स हैं वहाँ पर जो उसके अंदर आ रहे होते हैं, और ये सबसे इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो बिजिएस्ट कंसीडर होता है ये वाला जो अमेजोन का ये वाला क्वार्टर है Q4, और इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है आपकी, अमेजोन की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो होगी इस क्वार्टर के अंदर होगी, क्योंकि क्रिसमस आ रही होती है, बहुत सी इसमें 10-10, 11-11 एंड जिस तरह से यहाँ दराज के ऊपर लगता है 10-10, 11-11, 12-12, तो वहाँ पर भी इसी तरह से डिफरेंट जो है वो इन इवेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है। अच्छा, एक प्राइम डे भी होता है, वो प्राइम डे दो दिन के लिए होता है, एक या दो दिन के लिए होता है, वो अभी रिसेंट स्टार्ट होने वाला है अमेजोन के ऊपर जुलाई में। ठीक है, जुलाई 12 या 13 जुलाई को आई थिंक सो प्राइम डे है वो, उसकी भी सेल जो है वो एक दिन की जो सेल है अमेजोन की वो बिलियन डॉलर में। अभी ये जो IMF ने हमें कर्जा वगैरह देने के लिए अप्रूव किया वो आई थिंक सो पता नहीं 2 करोड़ वो 2 बिलियन है, 2 या 3 बिलियन है, ये इतना कुछ है वो जो है ना जो हमें उन्होंने देना है, 3 या 4 बिलियन है या कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ना, अगर उसके साथ कंपैरिजन करें कि सिर्फ इसका एक क्वार्टर का जो है वो 125 बिलियन का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके आगे मैं जाके आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ कि इसके ग्राफ किस तरह से। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर एक 44% थी 2020 के अंदर। अच्छा, इसके एक दो और स्टैट्स मैंने आपको दिखाने हैं जिससे आप लोग हैरान हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि 82% लोग कहते हैं कि अमेजोन की जो प्राइसेज हैं वो सबसे मेन फैक्टर है अमेजोन को, अमेजोन से प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। अच्छा, ये एक इन्होंने दिए 67% जो है अमेजोन की शॉपर्स ने 2018 में डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए शॉपिंग की थी। अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये कब है, 2019 का डाटा है, अब तो ये बढ़ चुका होगा। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन अमेजोन पर मिनट, एक मिनट के अंदर अमेजोन के ऊपर 4000 यूनिट्स बिक रहे हैं। अब ये डाटा डबल हो चुका होगा क्योंकि ये जो है इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ चुका है अब, क्योंकि ये कोविड के बाद तो ये डबल ट्रिपल हो चुका होगा। तो ये 4000 मतलब पर मिनट 2019 की बात है, और अगर इसको एक सेकंड के ऊपर करें तो आई थिंक तो 70 या 80 यूनिट्स पर सेकंड के ऊपर हो रही है। अच्छा, इसी का जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो देखें, ये 2021 में तकरीबन 1.9 मिलियन एक्टिव सेलर्स थे जो बेच रहे थे अमेजोन के ऊपर। ठीक है, जो अमेजोन के ऊपर एज अ करंटली एक्टिव सेलर्स थे, जैसे कोई सेल कर रहा है, तो तकरीबन 19 लाख सेलर जो था वो यहाँ पर मौजूद था। अच्छा, बायर विजिट्स अमेजोन फॉर इंस्पायरेशन। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 23% लोग जो हैं वो सिर्फ अमेजोन से इंस्पायरेशन लेने के लिए आते हैं कि हम क्या कुछ बाय करें, किस तरह से करें, तो वो सिर्फ
इंस्पायरेशन के लिए अमेजोन के उसको विजिट करते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, कुछ एक और दो स्टैट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेल्स के स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये स्टैट्स मेंशन हुए हैं 217 से 20 तक के, और ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर हैं। ये देखिए Q1, Q2, Q3 और Q4। अब ये देखिए, इसमें जो थी 2017 में इतने बिलियन की क्वार्टर वन में जो सेल्स थी, और यहाँ पर ये देखिए 24 बिलियन की है। ये 2017 में जो है वो इतने बिलियन डॉलर की जो थी ये सेल्स है। ये हमारे बजट से भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पर अब आप आ जाएँ तो यहाँ पर देखें, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। 2004 में तकरीबन 6.92 बिलियन डॉलर की जो थी वो सेल्स रेवेन्यू था। 8.49 का तकरीबन जो है वो 8.49 में था 2005 में जो है वो सेल्स रेवेन्यू आपका, इसका सेल्स रेवेन्यू जो था वो 8.49 था। अगर यहाँ पर आकर देखें, ये जो अभी लास्ट क्वार्टर 2020 में 386 बिलियन डॉलर की जो सेल है वो 2020 में हुई है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखें 2021 के अंदर, अच्छा यहाँ पर देखें कि ये जो है वो 469 बिलियन डॉलर की जो सेल है वो यहाँ पर है, और ये चेक करें कितनी बड़ी ये आपकी सेल है। आपका सी पैक में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो जो चाइना ने 2030 तक करनी थी आपके साथ, वो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर की वो टोटल सेल थी, या टोटल वो उन्होंने जो कुछ उन 10 सालों के अंदर करनी 50 या 55 बिलियन डॉलर की। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये कितना बड़ी ये मार्केट प्लेस है कि जिसका इतना बड़ा सेल्स वॉल्यूम, ये इतनी बड़ी इतना बड़ा रेवेन्यू है। ये आपके बजट से कहीं ज़्यादा है, बल्कि कई कंट्रीज के बजट से ये कहीं ज़्यादा है। आपके आपका जो आप अपना बजट पेश करते हैं वो भी इतने बिलियन डॉलर का नहीं है, ये आपके बजट से भी 3-4 गुना या 5 गुना ज़्यादा इसका सिर्फ एनुअल रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी, ये लास्ट टाइम 386 था 2020 में, और 2021 में देखें 469 बिलियन। अब ये कंसीडर किया जा रहा है कि जो 2020 का होगा वो शायद 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाए। तो ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर देखें, देर आर 100 मिलियन अमेजोन प्राइम मेम्बर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये 10 करोड़ तक बता रहा है, और उसके बाद जो है ये अब एक और किसी के स्टैट्स हैं। अब 1000, अच्छा वो कहते हैं कि जो प्राइम मेंबर्स हैं जो अमेजोन को पे कर रहे हैं, वो जो एनुअली बाय करते हैं वो तकरीबन 1000 जो है वो स्पेंड करते हैं अपनी बाइंग के ऊपर अमेजोन के थ्रू पर ईयर के ऊपर। जो जो और जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं, मतलब जो अमेजोन को मंथली बेसिस पे फ्री जो उनका अकाउंट होता है लेकिन वो पे नहीं करते, वो तकरीबन इसके अराउंड आप वहाँ से बाय करते हैं ऑन एन एवरेज 100 to 500 डॉलर। तो ये देखिए, ये एक स्टैट्स है। अच्छा, ये देखिए, ऑलमोस्ट 1 in 3 अमेरिकन हैव अ प्राइम मेंबरशिप। तो यहाँ पर देखिए कितनी मेंबरशिप है, ओवर 95 मिलियन अमेरिकन क्लेमिंग अ प्राइम मेंबरशिप, मतलब तकरीबन 9.5 करोड़ लोग जो हैं वो अमेजोन के ऊपर एज अ प्राइम मेंबर्स हैं, जो सिर्फ US के अंदर हैं, जो अमेजोन को $14.99 मंथली बेसिस पे चार्ज कर दे रहे हैं कि आप सिर्फ हमें अपनी जो है वो मेंबरशिप दे दें। अच्छा, अगर इसके अंदर जो है वो मैं एक और दो स्टैट्स यहाँ से देख के बता दूँ, तो यहाँ पर देखें अमेजोन सेल्स पर सेकेंड मिनट्स एंड आवर्स के हिसाब से अगर देखें, तो
ईच सेकेंड अमेजोन रिकॉर्ड्स, ये देखे आप हर सेकेंड जो है अमेजोन $4,722 मतलब $4,500 जो है उसकी सेल कर रहा है, और हर मिनट की सेल ये है, और अगर हर घंटे की सेल करें तो ये $17 मिलियन बनती है सेल, जो कि बहुत बड़ी सेल है। ठीक है, ये सेल जो है आप इससे कंसिडर करें कि अमेजोन की कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं या आपने काम करना है। अब ये कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि 2013 में सिर्फ 40 मिनट के लिए एक दफ़ा वेबसाइट डाउन हुई थी अमेजोन की किसी सर्वर की वजह से या डाटा उस पर लॉस हुआ था, तो उसमें देखें 5 मिलियन इन लॉस सेल्स, तो तकरीबन कितना जो था उस 40 मिनट के अंदर जो लॉस हुआ था वो तकरीबन 5 मिलियन का लॉस हुआ था। और इसी तरह से 157 मिलियन इन द प्रीवियस क्वार्टर फॉर एन एवरेज ऑफ 120,000 ईच मिनट। ठीक है, ये देखें ये टोटल लॉस, ये बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस वजह से जो है वो हम अमेजोन को चूज करेंगे एज आवर विनिंग मार्केट प्लेस जिसके ऊपर हमने काम करना है और जिसके ऊपर हम अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और कोई देख लेते हैं अगर कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इस वजह से जो है वो हम कंपेयर करते हैं कि हम जो है वो इस मार्केट प्लेस के अंदर काम करेंगे या इस मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो हम जा रहे होंगे वर्क करेंगे। अच्छा, अब कुछ एक और दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ आता हूँ कि जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जी एक सेकंड, मैं एक चीज़ खोल लूँ, ओपन कर लूँ, देन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। यहाँ पर देखें ये वो, अब आप सबका एक सवाल हो सकता है कि एक तो ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, अब किसी के जहन में अगर कोई ऐसा सवाल है कि सर हम अमेजोन की बजाय कोई अपनी वेबसाइट बना लें तो उसके ऊपर भी तो काम किया जा सकता है, हम जो है वो USA UK के अंदर कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ जो है वो ट्रैफिक वगैरह लाते हैं, ऑडियंस लाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो वर्क तो किया जा सकता है, तो क्या वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा या हम उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकते बनिस्बत इसके कि हम अमेजोन के ऊपर ही वर्क करें। तो उसका थोड़ा सा चले एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि उसके अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर क्या कुछ खर्चा आ सकता है या क्या कुछ हो सकता है। फ़र्ज करें हम अमेजोन को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर आवर लोकल वेबसाइट, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब अपनी लोकल वेबसाइट बनवानी है तो जो हमारे पास CSK लोग हैं वो ये जानते होंगे, तो उसके लिए हमें कुछ मार्केटिंग की जाती है जो SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की के लिए कि उसको रैंक करवाया जाता है। ठीक है, और वो रैंकिंग करवाने के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे उसकी पेड मार्केटिंग की जाती है, SMM किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो तब जाके जो आपकी वेबसाइट है वो रैंक करती है। अच्छा, उसको रैंकिंग करने के बाद जो आपके पास ट्रैफिक या विजिटर आता है वो तकरीबन 80% उसके ऊपर जो ट्रैफिक होती है वो जंक ट्रैफिक होती है, मींस जो वेस्टेड ट्रैफिक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 80% आपका जो बजट है वो वेस्ट हो जाता है,
आपने अगर कोई वेबसाइट बनवानी है तो उसका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन $250 से लेके $500 तक जो है वो आ सकता है। मार्केटिंग एक्सपेंस जो है, अगर आपने उसको मार्केट करना है, आपने उसको रैंक करवाना है, तो वो तकरीबन $250 से $500 तक जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास जो वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आना शुरू हो जाते हैं वो तकरीबन उसके मार्केटिंग के भी एक्सपेंस हैं। तो उसके अलावा जब आपने गूगल और फेसबुक के ऊपर ऐड चलवाना है अपनी वेबसाइट का कि मेरी तरफ जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो भी तकरीबन $100 से $5,000 तक हो सकता है। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, जितना बड़ा कंटेंट होगा, उतनी ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये वाला भी कंटेंट हो सकता है। फिर उसके ऊपर जो आपका जेन्युइन बायर है वो तकरीबन 20-25% है। ये भी बहुत बड़ी रेशियो है कि तकरीबन 20-25% जो है वो बायर आपका जेन्युइन आपके पास आ जाए। वरना मोस्टली होता ये है कि आपके पास जेन्युइन बायर नहीं होता, आपके पास वो होता है कि जो सिर्फ आपकी वेबसाइट पर आया और क्लिक किया और वापस चला गया, ठीक है। लेकिन हमने अमेजोन के स्टैट्स में देखा था कि हमारे पास 89% जो बायर्स हैं वो उनका ट्रस्ट लेवल है कि वो लाजमी आते हैं और बाय करते हैं, और इवन 23% तो लोग जो हैं वो अमेजोन के ऊपर कोई सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया लेने आते हैं कि आप क्या कुछ बाय, कोई अगर कोई बायर आउटसाइड से भी या वैसे कोई बाय करना चाहता है उसको आइडिया नहीं है कि क्या प्राइसिंग चल रही है ओवरऑल, तो वो जो है वो वहाँ से प्राइसिंग का आइडिया लेने के लिए भी लोग अमेजोन पे आते हैं। अच्छा, आप अपनी अगर वेबसाइट को लोकल अगर आप यूज़ करें तो उसमें क्या होगा कि आप अगर व्हाट इफ आई क्लोज बिजनेस, अगर आप अपनी मार्केट को या बिजनेस को क्लोज करते फिर तो वेबसाइट को आप जो है उसके ऊपर मजीद काम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जबकि अमेजोन के केस में ऐसा नहीं है। अमेजोन के ऊपर अगर आपने एक मार्केट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को डाल दिया है और उसको आप वेकेशन पे डालना चाह रहे हैं तो वेकेशन के ऊपर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स क्या कि आप उसको हॉलीडे मोड पे ले जाएं कि मैं फलां दो दिन जो है वो काम नहीं करना चाह रहा, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो डी रैंक नहीं होगी, वो उसी तरह से जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो ये सारा एक्सपेंस जो है, अगर अप्रॉक्सीमेटली इन सारे एक्सपेंसिस को काउंट किया जाए तो यही आपका जो एक्सपेंस है वो मोर देन $1,000 में जाता है। तो अमेजोन कहता है कि आपको इतना एक्सपेंस जो आपने कभी अपनी वेबसाइट को अप करने में, उसको रैंक करवाने में और सारा कुछ लगाना है, वो इस तरह से करें कि मैं आपको इतनी, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल ये है कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ और उसके ऊपर ट्रैफिक आए। अमेजोन कहता है आप इसको छोड़ें, आपको मैं ट्रैफिक देता हूँ इतनी बड़ी, आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और बाकी जो है वो मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दे रहा हूँ कि आपको डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड करूँगा कि आप इन इन मॉडल्स को अडॉप्ट करते हुए जो है वो अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। और जो आपने एक्सपेंस इसके ऊपर करना है वो आप अपनी सिर्फ प्रोडक्ट को लाइव करने में करें और जो वहाँ पर ट्रैफिक है उसको सिर्फ कंट्रोल करें। आपको मैं करोड़ों की ट्रैफिक जो है, अगर यूएस की मार्केट प्लेस में चले जाएँ तो वो कहते हैं कि मैं 15-20 करोड़ की ऑडियंस आपको देता हूँ, आप अपनी प्रोडक्ट को उनको बेचें जाके 15-20 करोड़ की ऑडियंस को। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है वो अमेजोन को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बिगेस्ट। यहाँ पर ये देखिए 66% तकरीबन 2.73 बिलियन विजिटर्स हैं इसके, ये तकरीबन 28% वर्थ रखता है, ये 855 मिलियन विजिटर्स इसके हैं। वॉलमार्ट के तकरीबन 468 मिलियन विजिटर्स हैं। इसी तरह से एटसी, होम डिपो और ये द्रास जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, ये वो ई कॉमर्स हैं जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा आपका विजिटर है जो अमेजोन के ऊपर, वो तकरीबन 273 बिलियन विजिटर है। मीन्स इतने ज़्यादा आपकी जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका तकरीबन हाफ कह लें या थोड़ा सा उससे ज़्यादा कह लें, इतना विजिटर जो है वो आपके पास पूरी समझ लें कि अमेजोन हर दुनिया में हर दूसरे बंदे को पता है कि अमेजोन क्या है। तो इतनी बड़ी ये मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर काम करेंगे आप, और इतना बड़ा इसमें वैल्यू है, इतनी बड़ी पोटेंशियल है जिसके ऊपर आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं और काम करेंगे, ठीक है। तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि अमेजोन जो है वो बेस्ट मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर हमने अपना काम करना है। अच्छा, बिजनेस साइकिल हमने अगेन बताया कि हमने कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर ओपन करेंगे किसी के ऊपर ई कॉमर्स, वो उसके ऊपर कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करके हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। देन पेमेंट का जो है वो सोल्यूशन वही ई कॉमर्स के स्टोर जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर वो हमें ऑर्डर दिखा देता है कि ये ऑर्डर आया, देन हम
जो है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए उन्हीं को दे सकते हैं और वो आगे एग्जीक्यूट भी कर देते हैं और कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो तकरीबन सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस का ऑलमोस्ट अगर इसी तरह का कोई साइकिल जो है वो फॉलो होता है कि आपने उसके ऊपर कोई स्टोर बनाना होता है देन जो है वो सारे प्रोसेस को इसी तरह से ऑलमोस्ट हैंडल कर रहा होता है। बेनिफिट्स की हमने बात की थी कि ई कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं ओवर द ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस वो ये हैं कि यहाँ पर जो है ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती लोकेशन वाइज, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, डाटा एनालिसिस आसान होता है, आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख सकते हैं कि मंथली या एनुअली बेसिस के ऊपर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, कस्टमर की रिटेंशन बहुत इजी है, इजी टू लोकेट हैं प्रोडक्ट्स, नो टाइमिंग इश्यूज हैं, 24/7 जो है वो अवेलेबिलिटी हो सकती है। अच्छा अब ये कुछ हैं इनको कहा जाता है कि ये बेसिकली हमारे कुछ ओल्ड या कुछ एक एक दो और जो है वो मॉडल्स हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, लेकिन हमने बेसिकली वर्क करना है जो कि होलसेल और प्राइवेट लेबल के ऊपर थोड़ा सा ये लिंक करता है जो रिटेल आर्बिट्राज है या ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो होलसेल से भी थोड़ा सा लिंक करता है और थोड़ा थोड़ा ये ड्रॉप शिपिंग से भी लिंक करता है। इसको जाके ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है वो ये सिर्फ डेफिनेशन वाइज देखेंगे, हम आगे फिर इसको डिटेल के अंदर या डेप्थ के अंदर सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते चले जाएंगे या करते चले जाएंगे। अच्छा जी, रिटेल आर्बिट्राज क्या है कि रिटेल आर्बिट्राज इज एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल सेंटर्ड ऑन बाइंग इन्वेंट्री एट अ डिस्काउंट फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेलर्स देन रीसेलिंग इट ऑनलाइन फॉर अ प्रॉफिट मार्जिन। होता क्या है कि आपको पता है कि फर्ज करें एक प्रोडक्ट जो है वो दराज के ऊपर 500 रुपए की बिक रही है, लेकिन आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट लगा हुआ है या कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है उसके ऊपर वही सेम प्रोडक्ट जो है वो 50% ऑफ पे लगी हुई है। आप करते क्या हैं कि आप अपना मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कि दराज के ऊपर अगर ये 500 की बिक रही है, यहाँ पर मुझे 250 की मिल रही है, मैं अगर यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स उठा लेता हूँ ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में और वहाँ पर जाकर बेच देता हूँ तो मुझे इसमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। मीन्स मैं सारी फीसिस जो है वो प्रोवाइड करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ अपना मार्जिन जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है रिटेल आर्बिट्राज में कि आप जो है वो अमेजोन के ऊपर या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर या किस किस प्रोडक्ट के अंदर क्या मार्जिन है। आप जो है वो वहाँ पर आप फिजिकली किसी स्टोर को विजिट कर लेते हैं या ऑनलाइन जाके किसी भी स्टोर को, जैसे वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट पे जाते हैं आप, वॉलमार्ट के क्योंकि फिजिकल स्टोर्स भी हैं और ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं तो फिजिकल स्टोर्स के ऊपर आप जाकर वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि ये डिस्काउंट के ऊपर कौन सी को, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल्स के ऊपर लगी होती हैं, डिस्काउंट्स के ऊपर लगी होती हैं, आप उन डिस्काउंट्स वाली प्रोडक्ट्स को उठाते हैं और अमेजोन के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है तो उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को आकर ऐड कर लेते हैं और जो है वो प्रोडक्ट जो आपने 10-20-50 उठाई होती है उसको आप बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस मॉडल को कहा जाता है रिटेल आर्बिट्राज, जिसमें आप जो है वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन जो फिजिकल स्टोर से या ऑनलाइन स्टोर से उठाकर अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के बाद अपने अमेजोन के स्टोर के ऊपर आकर बेच सकते हैं या बेचते हैं, तो वो रिटेल आर्बिट्राज होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी बिल्कुल इसी तरह से, जो ऑनलाइन स्टोर हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कम में बिक रही है और आप दूसरे स्टोर्स के ऊपर वही जो सेम प्रोडक्ट है वो ज़्यादा महंगी बिक रही है, तो आप जो है किसी स्टोर से वो प्रोडक्ट उठाते हैं और वो उसको अपने पास रखवा लेते हैं या किसी और जगह पे भिजवा देते हैं जो किसी और के वेयर हाउस के ऊपर, वहाँ से जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन जो सप्लाई हो रही होती है वो विद प्रॉफिट मार्जिन आप उसको लिस्ट कर देते हैं और वो वहाँ पर बिकना शुरू हो जाती है, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज। ड्रॉप शिपिंग का एक मॉडल है, बड़ा ये भी ज़बरदस्त मॉडल है और इसके ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, ये भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होती है मैं इसको ज़रा आपको बताता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, मैं इसको शूज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ईबे का स्टोर खोलता हूँ या वॉलमार्ट का स्टोर खोलता हूँ, वॉलमार्ट के थ्रू भी पहले ड्रॉप शिपिंग होती थी, यहाँ पर भी जो है वो मैं शूज़ को ओपन कर लेता हूँ,
जी एक मिनट सर मुझे दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं जरा वो अटेंड कर रहा हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी एक वो जो है ना वो मेरी कॉल आ गई थी इसकी वजह से। अच्छा ये बातें सबको समझ आ रही है ना, मुझे एक दफा मैसेज में बता दें, मैं उसके बाद आप लोगों का माइक ऑन कर दूंगा, फिर वन बाय वन सारों से क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? ये बातें सारों को समझ आ रही है ना? ओके 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 फाइन 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 ठीक है। तो अब हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। फर्ज करें मैंने लिखा शूज इन पाकिस्तान, यहाँ पर मैंने लिखा है शूज मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें शूज जो है वो डिफरेंट शूज मुझे अमेजोन के ऊपर मिल गए हैं, ठीक है? अब मैं करता क्या हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट शूज को यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ, और मेरे पास रियल टाइम उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री क्या होती है कि वो जो स्टॉक है आपके पास वो इन्वेंट्री कहलाती है। फर्ज करें मेरे पास 100 का यूनिट पड़े हुए हैं, 100 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस शूज की, तो वो मेरे पास 100 की इन्वेंट्री है, ठीक है? तो जो मेरे पास इन्वेंट्री है वो मेरे पास फिजिकली मौजूद नहीं होती, ना रियल टाइम होती है। मैं करता क्या हूँ कि मैं ये वाली प्रोडक्ट को यहाँ पर अपने पास जो है वो लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये वाली जो अगर ये वाले शूज हैं, और मुझे ये पता है कि यही सेम जो शूज हैं ये ईबे पे, वॉलमार्ट पे, सैम क्लब पे, या फिर सैम क्लब भी एक बड़ा जो है ना ड्रॉप शिपिंग का एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके थ्रू ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखें ये शूज वगैरह है, मैं वही शूज जो है वो यहाँ पर देखता हूँ। मैं यहाँ पर एक मैंने अपना शूज डाले, ठीक है? मुझे लगे कि ये वाला जो सेम शूज है मैं इसमें से देख लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। सैम क्लब को ओपन कर लेता हूँ, ये देखें एक ये है शूज, और मैंने वही सेम शूज जो है मैं कोई यहाँ से एक शूज पिक कर लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ चलें ये वाला जो शूज है ना ये एक शूज हो गया, और एक यहाँ से फर्ज करें ये वाला शूज हो गया, ठीक है? अब मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि ये जो है वो दोनों शूज सेम ही हैं, ठीक है? ये डिफरेंट होंगे लेकिन मैं इसको भी कह देता हूँ कि दोनों शूज जो है वो सेम ही है, ठीक है? अब ये देखें ये वाला जो शूज़ है ये अगर यहाँ पर $19 में बिक रहा है, यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता हूँ कि यही जो सेम शूज़ है वो $32 के अंदर जो है वो बिकेगा। फर्ज करें $32 का मैं लगा देता हूँ। अब क्या करेगा मुझे जो अमेजोन का क्लाइंट है वो मुझे यहाँ पर ऑर्डर करेगा, $32 मुझे पे करेगा और यहाँ पर मुझे ऑर्डर करता है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, अमेजोन जो मुझे कस्टमर की डिटेल्स है मैं उनको लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं जाकर यहाँ से बाय करता हूँ यही वाली सेम प्रोडक्ट $19 में, अमेजोन वाला मुझे $32 पे कर चुका है। मैं सेम आऊँगा यहाँ पर इसको $19 पे करूँगा, $19 में से जो है वो मैं जब एड्रेस डालने की बारी आएगी कि शिप टू कौन से एड्रेस के ऊपर आपने इसकी शिपिंग करवानी है, उसमें मैं वो वाला एड्रेस डाल दूंगा जो मुझे अमेजोन के इस क्लाइंट ने जो एड्रेस दिया था वो वाला मैं एड्रेस यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सैम क्लब जो है वो उस पूरी प्रोडक्ट को पैक करवा कर अपने डब्बे के अंदर, या अपने डब्बे के अलावा अगर वो आगे सारी डिटेल्स है अपने डब्बे के अंदर पैक करवा कर वहाँ पर भिजवा देगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर वो अपने डब्बे के अंदर जो है वो पैक करवाएगा, इससे तो कस्टमर जो है वो इशू कर सकता है कि अमेजोन से हमने ऑर्डर मंगवाया था डिलीवर हमें यहाँ से हो रहा है। तो ये इस तरह के मसाइल होते हैं, और इसी वजह से ड्रॉप शिपिंग को जो है वो हैंडल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं, डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो उसके आगे वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हमने किस तरह से जो है वो ड्रॉप शिपिंग्स करनी होती हैं वो, और सबसे ज़्यादा जो अकाउंट्स है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर बंद होते हैं आपके, कि आप किसी और स्टोर से उस ऑर्डर को फुलफ़िल करवा रहे होते हैं। मतलब आपको एक क्लाइंट ने $32 दिए हैं और आपने $19 की जो है वो प्रोडक्ट यहाँ से बाय करके वहाँ भिजवा दिए, तो इसके ऊपर मसाइल आ सकते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो एक अलग कहानी है, पूरी अलग जो है वो पूरा एक अलग कोर्स होता है जिसके ऊपर ये ड्रॉप शिपिंग की जाती है। लेकिन स्टार्ट में समझने के लिए ये है कि आपने अमेजोन के ऊपर वो $32 की प्रोडक्ट लगाई,
और $19 की जो है ना वो प्रोडक्ट आपने यहाँ से परचेज करके अमेजोन उसी कस्टमर को यहाँ से डिलीवर करवा दी। ये ड्रॉ जिसमें आपके पास फिजिकली कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आपने किसी और स्टोर से वो प्रोडक्ट उठा दिए हैं और वहाँ पे जाके डिलीवर करवा देनी है। तो बेसिकली ये इसमें सारा कंसेप्ट हो रहा होता है। और इसमें जब वो आपसे एड्रेस मांगेगा तो जो क्लाइंट ने आपको यहाँ पर एड्रेस दिया होगा, इस जगह पर जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस को आप यहाँ पर आकर पेश कर देते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपसे वो जो प्रोडक्ट है वहाँ पर डिलीवर हो जाती है। अच्छा यहाँ पर अब्दुल्ला जफर हैं जिनको ड्रॉप शिपिंग कह रहे हैं, सर मुझे भी आती है, एम वासी को भी आती है, एंड काफ़ी लोगों को मीन्स ड्रॉप शिपिंग का काफ़ी आइडिया और लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की है। तो अब्दुल्ला आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की है? अच्छा अमेजोन के ऊपर ही ड्रॉप शिपिंग की है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है तो वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ड्रॉप शिपिंग, इनको ये टेक्निक्स का अंदाज़ा है कि किस तरह से ड्रॉप शिपिंग की जाती है, किस तरह से अपने अकाउंट्स को सेव किया जाता है, किन बेसिस के ऊपर जो है वो अपने अकाउंट्स को सेव किया जाता है और किस तरह से इसको टैकल किया जाता है, वो सारी जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आता है। तो ये एक बड़ी बड़ी वास्ट फील्ड है, बड़ी डिफरेंट फील्ड है, इसको टैकल करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट होती हैं। मुश्किल थोड़ी सी फील्ड है, मैनुअल तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा होता है, ठीक है, ऑटो पे नहीं काम हो रहा। जिस तरह से हम जिन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे वो बहुत से आसान मॉडल्स हैं, मींस जो है वो सेफ मॉडल हैं, ये सेफ मॉडल नहीं होते वो अमेजोन का, इसके अंदर जो है बहुत से मसाइल भी हो सकते हैं। उनको टैकल करने की अगर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन अगर वो उनकी वायलेशन ना हो और वो हमारे ऑर्डर्स जो है वो टाइम के ऊपर फुलफ़िल हो रहे हों तो फिर जो है वो किसी किस्म का ज़्यादा मसला नहीं आता। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा एंड के ऊपर जो है हल्का फुल्का ड्रॉप शिपिंग का बता दूंगा, नहीं तो जब आप होलसेल का क्राइटेरिया कर रहे होंगे या होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वहाँ से जो हंटिंग है वो ड्रॉप शिपिंग की भी ऑलमोस्ट वैसे ही हंटिंग होती है, बस उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एक दो चीज़ों की चेंजेस होती हैं, बाकी सारी हंटिंग वैसे ही होती है। तो एंड के ऊपर थोड़ी सी टेक्निक्स को भी अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो दो मॉडल्स हैं वो प्राइवेट लेबल एंड होलसेल है, जिनके ऊपर हमने काम करना है या जिनके ऊपर हमने अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। सेकंड, आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि हम जो है वो ऑलरेडी हमारा एक ब्रांड कंफेट्रा के नाम से यूके के अंदर बिल्ड हो चुका है और उसके ऊपर जो पीएल में हम जो फर्नीचर का जो है वो काम कर रहे हैं और उसमें हम FBM को लेकर चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला कि आप लोग भी हमारे ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करें जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं और आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर लिस्ट कर सकते हैं, हमारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को आप अपने पास भी लिस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो हैं वो हमने आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हुई है, जो हमारे ऑलरेडी कुछ बैचेज चल रहे हैं नेक्स्ट, उनको तो हम आस्ते आस्ते उसमें इनरोल कर रहे हैं, अपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो जो है वो हमारे साथ काम कर सकें। लेकिन जो नेक्स्ट आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर डेज में जब आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे तो उनके साथ जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं उनके साथ भी हम आप कोशिश करेंगे कि लिंक करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलेगी जो टॉप के लोग होंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, ठीक है। तो वो उन्हीं को जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। अच्छा यहाँ तक हो गया, मैं थोड़ी देर बाद ना आप लोगों के अभी माइक्स को ऑन करता हूँ, ये हो गया। अब हमारे पास जो दो डिफरेंट मॉडल, अब ये यहाँ से समझे कि आप लोगों का रियल टाइम जो है वो जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। पहले हमने सारी बातें कर ली, अमेजोन क्या है, अमेजोन की तरफ हम क्यों जाते हैं, अमेजोन के लिए क्या बेस्ट है, किस लिए किया जाता है। अच्छा इसमें एक दो चीज़ें और देख लें, एक जो सेलिंग प्लान है, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ,
शायद .co.uk का आ गया, मैं यूएस का दिखा देता हूँ, यूके का भी। अच्छा ये सेलिंग प्लान देख लें कि अमेज़ॉन के ऊपर दो किस्म के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं जो सेलर अकाउंट्स हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक प्रोफेशनल अकाउंट ओपन होता है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है, एक चीज़ याद रखें, जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है और जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो $39.99 के ऊपर जो है वो अकाउंट ओपन होगा। अच्छा अब इंडिविजुअल अकाउंट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर सिर्फ 40 यूनिट्स जो है वो बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। यू स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज, इसमें एडवर्टाइजिंग का आपके पास सेक्शन नहीं होता, जबकि आप इसमें जो है वो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, मोर देन 40 यूनिट्स को बेच सकते हैं। आपके पास एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑप्शन होता है, यू वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर द टॉप प्लेसमेंट ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज, यू वॉन्ट टू यूज एडवांस सेलिंग टूल्स, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ प्रोफेशनल अकाउंट के साथ होती हैं। ये सारा सेलिंग प्लान के साथ है कि ऐड न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द अमेज़ॉन कैटलॉग, ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट अमेज़ॉन, ये सारी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जो है वो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या। अच्छा ये इंडिविजुअल और जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये सेलर अकाउंट है जो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि बैंक अकाउंट आप लोग अपना लेकर आएँ और वो CNIC और वो सारी डिटेल्स लेकर आएँ। तो स्टार्ट में हम जो अपना अकाउंट बनाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट होगा, वो 0.99 वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये $0.99 किस बेस के ऊपर वो ले रहा है कि एक एक प्रोडक्ट अगर आपकी बिकती है तो सारी फीसेज निकालने के बाद जो सारी अमेज़ॉन की FBA की या फुलफिलमेंट की फ़ी जो होगी वो सारी उसके साथ जो एडिशनल पर आइटम की कॉस्ट होगी वो अमेज़ॉन आपसे $0.99 चार्ज कर रहा होगा। और यहाँ पर जो है वो ये देखें प्लस एडिशनल सेलिंग फ़ी, वो देख रहे हैं 0.99 पर आइटम सोल्ड प्लस एडिशनल फ़ी, जो एडिशनल फीसेज हैं वो तो होंगी होंगी, उसके साथ जो है वो $0.99 होगा। और ये जो है ये $39.99 पर मंथ जो सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, उसकी ये पर मंथ की फ़ीस है। तो फर्ज करें आपने प्रो अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट करना है तो वो आपको ये एडिशनल फ़ी ये वाली जो $39.99 अमेज़ॉन को पे करनी पड़ेगी। एक मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो बायर अकाउंट जो प्राइम मेंबर वाली है उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो बायर अकाउंट है, ये सेलर अकाउंट के लिए फ़ीस है। जो $14.99 मैंने बताई थी उधर जाके जो आप एज अ प्राइम मेंबर वहाँ पर लेते हैं मेंबरशिप, जो बायर के लिए है वो 14.9, ये एज अ सेलर के लिए अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट पे अपने अपनी प्रोडक्ट को शिफ्ट करना है, अपने अकाउंट को शिफ्ट करना है, तो वो $39.99 आपसे ये चार्ज करा होगा। यू सेल मोर देन 40 यूनिट्स अ मिनट अ मंथ, यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स, यू वांट टू क्वालिफाई फॉर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपके पास अवेलेबल। अच्छा ये अकाउंट जो है अगर आपने ये क्रिएट करना है अमेज़ॉन के ऊपर तो इसके लिए अगर प्रोफेशनल अकाउंट आपने पाकिस्तान से ओपन करना है तो उसके लिए LLC की रिक्वायरमेंट होगी। LLC क्या होती है, जो आपने कंपनी ओपन करनी होती है US के अंदर, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी कंपनी होती है और इसी तरह से एक LTD कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, वो UK के लिए होती है। तो स्टार्ट में अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट होता है वो वाले उस अकाउंट के लिए आपको LLC की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर शिफ्ट करना है तो वहाँ पर आपको जो है वो जो है वो LLC की रिक्वायरमेंट होती है जो US के अंदर होती है। वो आगे जाके मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन आंसर्स करूँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये दो प्लान होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम अपना सदर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। जी जो टॉपर्स होंगे वो हमारे साथ जो है वो वर्क करेंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों की नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो, मतलब मैं उसकी एवेल्युएशन भी करूंगा और जो हमारे ब्रांड्स के साथ वही काम कर रहे होंगे जो कि आप हमारे जो डिफरेंट टास्क मैंने परफॉर्म किए होंगे दिए होंगे आप लोगों को, उनको जिन्होंने परफॉर्म किया होगा वही जो है वो हमारे साथ अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोगों की मंथ हर वीक की जो रिपोर्ट है और ख़ास कर जो एंड ऑफ द कोर्स जो है वो एक रिपोर्ट जाती है फाइनल जो मेरी तरफ से, तो वो जो है उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को चांस मिल सकता है कि आप लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो वही होंगे जो टॉपर्स होंगे जो ज़्यादा अच्छा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उसका नज़र आ जाएगा मुझे विद इन 2 मंथ,
तो उसको मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि वो हमारे ब्रांड्स के साथ, होलसेल के भी ब्रांड्स हैं जो अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं हमारे पास पड़े हुए, 160 प्लस ब्रांड्स जो हैं या जिनको कह लें वेंडर्स हैं, वो 160 प्लस वेंडर्स हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मतलब 160 ब्रांड्स सिर्फ कहना आसान है, लेकिन जब इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की जाती है तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। और इसी तरह से जो है वो जो हम अभी बिल्कुल पीएल के अंदर स्टार्ट कर दिया है, और हमने बिल्कुल एक डिफरेंट मॉडल को लेकर चल रहे हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में शायद किसी ने अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया, जो कि फर्नीचर की कैटेगरी में है, और फर्नीचर की कैटेगरी में वहां पर बैठे हुए हम उसको एफबीएम के मॉडल पे लेकर जा रहे हैं और शिफ्ट किया है हमने उसको, और उसके ऊपर हमने ब्रांड्स वगैरह जो है वो कर दिए हैं, रजिस्टर करवा दिया, और उसके बाद लिस्टिंग्स भी स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हमारा वो प्रोसेस है, इंशाल्लाह एक डेढ़ दो महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स तकरीबन ऑलमोस्ट सारी लाइव हो जाएंगी, देन जो है आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो चांस मिलेगा कि आप लोग अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से उन प्रोडक्ट्स को अपने पास लिस्ट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन जो है वो हम अपने एंड पे ऊपर वहाँ से करवा दिया करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको बिजनेस मॉडल है वो कभी सर जो है वो हमारे प्रिंसिपल है, मैं उनको ज़रूर बुलाऊंगा आप लोगों की क्लास के अंदर, वो आप लोगों को और मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि ये हम जो जिस मॉडल के ऊपर काम करने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन शर्त अगेन वही है कि आप लोगों की 100% जो है उसके अंदर एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं होगी, तो देन सॉरी टू से आप लोगों को फिर उसमें ना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ना आप जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस तरह से वर्क कर सकते हैं जिस तरह से आप लोगों ने वर्क करना होता है या करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपके पास बड़े दो चार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइबर अपवर्क तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है ही है, हम अपने ही जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस तरह से होलसेल और प्राइवेट लेबल की तरफ अपनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं या उनको उस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी से जहन में बिठा लेंगे, क्योंकि आप लोगों का नया बैच है, बिल्कुल स्टार्ट का लेक्चर है, तो ये आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि आफ्टर टू मंथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप में से बहुत से लोगों को उठाएं, और आप लोगों के जो सेलर सेंट्रल अकाउंट हैं, आप लोगों के होलसेल के अकाउंट है, वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के साथ अटैच करवा दें, और वहाँ से आप लोग ना कुछ वहाँ से भी जनरेट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये जो एक स्टार्ट में आप लोगों को कहा गया कि अकाउंट वगैरह ओपन कर लें, उसका मकसद यही है कि आप लोग जो है वो आप लोगों के पास सारों के पास एक कुछ ना कुछ एक किस्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि प्राइवेट लेबल क्या होता है या होल सेल क्या चीज़ है, ये जिसके ऊपर हमने काम करने जाना है या जिसके ऊपर हमने अपना काम स्टार्ट करना है। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि ये अमेजोन के ऊपर दो बिजनेस मॉडल्स अडॉप्ट होते हैं, बल्कि अब तो तीन होते हैं, लेकिन जो मेन है वो दो आपके बिजनेस मॉडल्स हैं, एक अमेजोन प्राइवेट लेबल है, एक अमेजोन होल सेल है, और ड्रॉप शिपिंग भी है। ड्रॉप शिपिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अमेजोन टू अमेजोन भी ड्रॉप शिपिंग होती है, वो आगे जाके कभी कोई चांस मिला कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन हमारा जो सेफेस्ट ये सबसे बड़े मॉडल्स हैं वो दो मॉडल्स हैं, एक प्राइवेट लेबल है और एक आपके पास होल सेल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अमेजोन कहता है कि आप दुनिया के किसी कोने से भी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लें और उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगवा कर उसको अपने ब्रांड नेम के अम्ब्रेला के नीचे या अपने ब्रांड रजिस्टर ब्रांड के अम्ब्रेला के नीचे उस प्रोडक्ट को बेचें, और वो आपके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाता कि आपने चाइना से बनवाना है सामान, पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवाना है, आप कहीं से भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दें। अमेजोन कहता है बस अब आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पिक भी करूँगा, पैक भी करूँगा और शिप भी करूँगा। ठीक है, और उसके बाद इवन कोई कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर जो है वो आप जो मेरा एक डिज़ायर्ड मॉडल है अगर उसके ऊपर आप काम करें तो मैं आपको पिक पैक एंड शिप की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने देखना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेट लेबल के लिए रिक्वायरमेंट है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो होल सेल के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्राइवेट लेबल पर आ जाते हैं। अमेजोन प्राइवेट लेबल क्या है? कीवर्ड और प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आपने जो सबसे पहले स्टार्ट में होता है
कीवर्ड क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे। फर्ज करें मैं लैपटॉप लिख रहा हूँ तो वो एक कीवर्ड है, मैं वाटर बॉटल लिख रहा हूँ तो वो एक कीवर्ड है, मैं ग्लास लिख रहा हूँ तो एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड मींस जो आपकी प्रोडक्ट के नेम को डिस्क्राइब करे। मैं लैपटॉप है तो वो एक लैपटॉप एक कीवर्ड भी है जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप अगर देखें तो मोस्टली हम कर क्या रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, यहाँ पर जाकर मैंने शूज लिखा है तो शूज एक कीवर्ड भी तो है, शूज फॉर वुमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, शूज फॉर मैन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखे यहाँ पर जो है वो शूज फॉर मैन, तो ये कीवर्ड है जो किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है कि उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जज करना होता है या चेक करना होता है, और ये कीवर्ड ही हम जो है वो मेन चेक करते हैं कि वो क्या हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है वो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आती है या कीवर्ड रिसर्च के अंदर आती है। ये जो मैं एक एक नाम ले रहा हूँ ना, एक एक नाम ले रहा हूँ सिर्फ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरा डिपार्टमेंट है। ये समझें कि अमेजॉन प्राइवेट लेबल एक पूरी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एक पूरा डिपार्टमेंट होगा कीवर्ड एंड प्रोडक्ट रिसर्च का। एक कंपेटिटर एनालिसिस का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये मैं एक छोटा नाम नहीं ले रहा प्रोडक्ट रिसर्च का, ये एक बहुत बड़ा नाम है जिसके ऊपर आपके सारे टूल्स चल रहे होते हैं, सारी वर्किंग हो रही होती है, हर चीज इसी के ऊपर होती है, और पूरा बिजनेस का दारो मदार सिर्फ इन इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये तो फाउंडेशन बेस है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे सर्च करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट एग्जैक्ट किस तरह से निकालनी है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी ये प्राइवेट लेबल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो उस प्राइवेट लेबल सॉरी वो कीवर्ड रिसर्च के अंदर, प्राइवेट लेबल के अंदर जो कीवर्ड रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, ये बड़ा मेजर और मेन टॉपिक होगा जिसको हम लेकर चल रहे होंगे। देन हमने कंपेटिटर एनालिसिस, जो हमारे जैसा बंदा जो है वो अगर उसी प्रोडक्ट को, अगर हम ये वाली प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, हम फर्ज करते हैं गिलास बेचना चाह रहे हैं, मैं कोई कह देता हूँ मैं जी फर्ज करें किचन नाइफ बेचना चाह रहा हूँ, मैं जी कोई कटिंग बोर्ड बेचना चाह रहा हूँ, मैं कोई पिज्ज़ा कटर बेचना चाह रहा हूँ, वट एवर एक्स वाई जी, मैं कोई स्पोर्ट्स एंड जिम की कोई, मैं स्किपिंग रोप बेचना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैं कह देता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहा हूँ, तो वो क्या मैं उन प्रोडक्ट्स को बेच, जिस तरह से स्टार्ट में हमने कहा जी कि साल्ट, आप पिंक साल्ट बेचना चाह रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी हैंडीक्राफ्ट बेचना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं पिंक साल्ट को, क्या आप हैंडीक्राफ्ट को बेच सकते हैं? बेच सकते हैं तो किस क्राइटेरिया पे बेच सकते हैं, किसी क्राइटेरिया पे आप जज भी तो करेंगे। जिस तरह अगर फिजिकली हम बात करें तो हम किसी प्रोडक्ट को जज करने को, आपने फिजिकली कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट को बेचना हो, मैं फिजिकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो आपने जाहिर सी बात है सबसे पहले कुछ मार्केट एनालिसिस करने होते हैं। आप कहते हैं अच्छा मैं अगर अपनी शॉप खोलता हूँ तो किस जगह पर खोलूंगा, जाहिर सी बात है उस जगह पर खोलेंगे जहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक मीन्स जहाँ पर विजिटर बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, आम अल्फाज में जो है कस्टमर जहाँ पर ज़्यादा होगा, अच्छा वो मार्केट के अंदर होनी चाहिए, वो उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसका कुछ ट्रेंड भी होना चाहिए। अच्छा ये तो नहीं कि मैं जो सिर्फ कोई ऑफ सीजन की प्रोडक्ट उठा के बेचना शुरू कर दूँ, वो जो प्रोडक्ट है वो किसी ट्रेंड को फॉलो ना, जैसे कोई ईद के ऊपर खाली जो है वो ईद से रिलेटेड प्रोडक्ट ना हो, जो सीजनल ना हो, ये ना मैं सारा साल लेके बैठा रहूँ उस प्रोडक्ट को और वो सिर्फ सीजनल की प्रोडक्ट हो। फर्ज करें मैं गर्मियों की प्रोडक्ट सर्दियों में बेचना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो वो गर्मियों वाली प्रोडक्ट जो सर्दियों में तो नहीं बिकेगी, वो तो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। तो मार्केट एनालिसिस ज़रूरी है, फिर मार्केट एनालिसिस ये वाली चीज़ें देखने के बाद आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या चीज़ है, डिमांड आपने वो चीज़ें देखनी होती हैं, हाँ जी ये इस प्रोडक्ट की डिमांड है, फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये डिमांड तो है, अब इसका कोई कंपटीशन भी है, एक लाइन के अंदर 10 मोबाइल की शॉप है, मैं 11वीं शॉप खोलता हूँ तो क्या उसका कोई डिमांड एंड कंपटीशन होगा? हाँ इसका मतलब मुझे नज़र तो आ रहा है कि 10 शॉप्स हैं तो इनकी बिक तो रही होगी, डिमांड तो है यहाँ पे, लेकिन वो 10 आपके कंपटीटर्स भी तो हैं, कंपटीशन भी तो क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी आपने फेस करना है। जाहिर सी बात है वो वही सेम प्रोडक्ट जो है, अगर एक प्रोडक्ट जो है फर्ज करें मोबाइल कवर ही आप कंसिडर कर रहे हैं, मोबाइल कवर एक बंदा वही सेम जो है वो 500 का दे रहा है, आप क्या उसको 1000 का बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, आपके पास कंपटीशन है, आप उसको 1000 की तरफ नहीं ले जा सकते। हाँ आपको 500 में ही उसको डील करना पड़ेगा, अगर हो सकेगा तो आप 450 में भी बेचेंगे उसको, तो वो एक कंपेटिटर है। तो आपने देखना होता है कि आपका कंपेटिटर किस तरह से वर्क कर रहा है, कंपटीशन किस तरह से है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो और जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है या किन किन
कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो अपनी सेल्स लेके जा रहे हैं उसका सारा एनालिसिस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और वो कौन किसकी मदद से करते हैं, ये जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये हम टूल्स की मदद से करते हैं, ये वाला जो कंपेटिटर एनालिसिस है ये भी हम टूल्स की मदद से कर रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो कंपेटिटर है कौन सा ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, कौन सा बुरा कमा रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर रहे होते हैं कंपेटिटर एनालिसिस की तरफ। उसके बाद हमारे पास ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने देख लिया कंपेटिटर एनालिसिस देख लिया, फिर आपने प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर करवानी है भाईजान, आपने किस जगह से बनवानी है वो उस प्रोडक्ट को, वो हमारे पास सोर्सिंग आएगी, आपने चाइना से बनवाना है, आपने पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवानी है, कहाँ से करनी है। अब ये स्टेप्स हैं, अब ये देखें पहला स्टेप आपने प्रोडक्ट हंटिंग का कर लिया, प्रोडक्ट रिसर्च का कर लिया, उसमें सारे एनालिसिस कर लिए, प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर उतर गई ठीक है, अब उसके कंपेटिटर का एनालिसिस करें, हाँ जी को जो हमारे मध्य मुकाबले हैं जो हमारे जैसे ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जिसकी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करवाने जा रहे हैं और उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम या लोगो लगवाएंगे, वो क्या कुछ कर रहा है भाई, वो क्या कुछ कमाना चाह रहा है, क्या कुछ कमाएगा, वो सारी चीज़ें हमने एनालिसिस करना होता है। सेकंड हमने सोर्सिंग करनी है कि हमने इसको चाइना से अगर सोर्स करवाया किस बेसिस के ऊपर करवाएंगे, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम क्या यहाँ से सोर्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, किस बेसिस के ऊपर हम उसको सोर्स करवाएंगे, वो सारी जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर आएगी। फिर हमने चाइना से अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचानी है प्रोडक्ट, वो शिपमेंट प्लान के अंदर आएगा, वो किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। फिर एक चीज़ होती है A+ कंटेंट मैनेजमेंट की। अच्छा ये जो सारी मैं लिख रहा हूँ ये सारी सर्विसेज भी हैं जो आप अपनी प्रोवाइड करेंगे। एक का स्टार्ट में किसी का सवाल होगा कि सर हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये देखें प्राइवेट लेबल में ये सारी सर्विसेज हैं, इसके अंदर भी कुछ और भी इंक्लूडेड है, वो भी मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को बताऊँगा साथ साथ। लेकिन ये जो शिपमेंट जो है ना वो जी बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये सारे काम यही कर रहा होगा, बस उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो किसी और के बिजनेस के ऊपर काम कर रहा होगा, उसको सर्विसेज दे रहा होगा, सारे काम आपने ये खुद करने हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उसी ने काम करके देने हैं सारे। अच्छा जी ठीक है, उसके बाद आपने शिपमेंट प्लान जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है, किस बेसिस के ऊपर आपने शिपमेंट प्लान्स की क्रिएशन करनी है। अच्छा A+ कंटेंट की मैनेजमेंट, ये भी एक सर्विस है पूरी जो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि A+ कंटेंट आपने कैसे लिखना है। A+ कंटेंट क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट लिखता हूँ, फर्ज कर लेते हैं मुझे कोई प्रोडक्ट का नेम बताएं आप लोग, अब आप लोग लिखें वहाँ पे चैट बॉक्स में जाकर नेम लिखें कोई, अच्छा जी लैपटॉप स्टैंड किसी ने लिखा है आई थिंक सो, लैपटॉप स्टैंड ये कीवर्ड है, ठीक है। अब ये देखें लैपटॉप स्टैंड में अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसने A+ कंटेंट अपना लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं फर्ज कर लेता हूँ ये लैपटॉप स्टैंड हो गया, जो इमेजेस की सूरत में कंटेंट लिखा जाता है वो जो है वो, अच्छा इसका नहीं लिखा हुआ, मैं और कोई देखता हूँ यहाँ पर, बर्थडे डेकोरेशन हो सकती है, चल मैं और कोई अपनी तरफ से कोई लगा लेता हूँ, मैं फर्ज करने लगाता हूँ पिज़्ज़ा कटर में लिख लेता हूँ, एक पिज़्ज़ा कटर जो है इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें ये जो देखें उसने अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिस्क्रिप्शन एक मेंशन हुई है, जो इमेजेस की सूरत में एक डिस्क्रिप्शन मेंशन हुई है वो जो चीज़ कहलाएगी वो A+ कंटेंट होगी। ये A+ कंटेंट आप लिख के दे सकते हैं, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये जो सर्विस है ये A+ कंटेंट के अंदर आती है, ठीक है, जो इमेजेस की सूरत में आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस तरह किचन एड है तो ये एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, उसके लिए आप
ये आगे जाके मैं आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाऊंगा। मैंने यूके के अंदर आप लोगों को कंपनी भी ओपन करवानी है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर किया जाता है वो भी होगी, आपकी एज अ सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगी, ये शामिल होगी। तो इसके थ्रू जो है वो आप अपना ये जो है वो ये जो ए प्लस कॉन्टेंट लिखने की वाली सर्विस है ये भी आप एज अ वी ए प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो लिस्टिंग एंड क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बहुत बड़ा ये भी टॉपिक है लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो टाइटल एंड बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपने कैसे प्रोवाइड करनी है ये देखने, ये इसको कहा जाता है टॉप के ऊपर टाइटल, ये वाला जो है ये जो लिखा हुआ है इसको भी लिखने का पूरा एक टेक्निक है, तरीका है। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये पांच जो हैं इसने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। ये बुलेट पॉइंट किस तरह से होते हैं, ये इमेजेस वगैरह किस तरह से लगाए जाते हैं, किन बेसिस के ऊपर लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन मेन जो चीज़ होगी, आप अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से मैंशन करेंगे और उसको किस तरह से लेके चलेंगे वो सारी जो डिस्क्रिप्शन, ये जो ए प्लस कॉन्टेंट इसको डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। एक तो जो सादा डिस्क्रिप्शन जिस तरह से ये लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, एक वो वाली डिस्क्रिप्शन होती है जो ए प्लस कॉन्टेंट की सूरत में ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये प्लस कॉन्टेंट वाली डिस्क्रिप्शन और ये वाली डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे होंगे, ये आपने किस तरह से लिखनी है, किन बेसिस के ऊपर लिखनी है, किस तरह से फाइंड आउट करके लिखनी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये लिस्टिंग में होती है। और ऑप्टिमाइजेशन का कि आपने इस लिस्टिंग को रैंक कैसे करवाना है, ठीक है आपके पास तो इतनी बड़ी ऑडियंस है, क्या सारी ऑडियंस आपकी आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगी, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने उनको उस प्रोडक्ट के साथ करना क्या है कि वो आपकी तरफ मैक्सिमम ऑडियंस या मैक्सिमम जो विजिटर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को आकर देखें, तो उनके लिए आपने डिफरेंट हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं, उनके अंदर जाकर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को देखना होता है और उसके बाद जो है वो आप चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसमें हम अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कीवर्ड्स आगे मैं आपको बताऊँगा, वो एनालिसिस हमने अपनी जब ये कर रहे होना होता है इसके अंदर कंपेटिटर एनालिसिस वगैरह के अंदर, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ये बाकी सारी चीज़ें जो कूपन, प्रमोशन, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, पीपीसी कंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के थ्रू देख रहे होते हैं। इसका मैं ज़रा थोड़ा सा विजिट भी करवा देता हूँ आपको, एक मिनट सिर्फ वेट करें। अच्छा, यहाँ पर देखें जी कि ये जो है वो जो कूपन्स की, यहाँ पर ये देखें कूपन्स, डील्स, ये जो कंपेन की है, ये एडवर्टाइजिंग होती है, पीपीसी कंपेन्स वगैरह, वो आगे मैं जाकर आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से, यहाँ पर ये देखें आपने प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, इन्वेंट्री की कैसे मैनेजमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो गए। प्राइसिंग वगैरह का यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर्स की मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपने अपने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, वो इस जगह से हम अपना चेक कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग आपने अगर देखनी है कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की करनी है, वो जो आप प्राइवेट लेबल है वो आप कंपेन्स की मैनेजमेंट, ये ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजमेंट यहाँ से आप करते हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, ए प्लस कॉन्टेंट लिखा जाता है, वो भी सारी मैं आपको करवाऊंगा। डील्स एंड कूपन की प्रमोशन, वो सारी चीज़ें हैं, प्रमोशन वगैरह का ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। रिपोर्ट्स वाला सेक्शन बहुत अहम होता है कि आपने पेमेंट्स की रिपोर्ट देखनी है, बिजनेस रिपोर्ट्स देखनी है, कोई रिटर्न आ रहा है, कोई कस्टमर रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। परफॉर्मेंस वाला आपके पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे अकाउंट की हेल्थ देख रहे होते हैं, फीडबैक्स वगैरह को देख रहे होते हैं, कोई नेगेटिव फीडबैक आया है, कुछ तरह की चीज़ें, ए टू जी गारंटी क्लेम, अगर कोई कस्टमर रिफंड वगैरह करवा लेता है तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप ए टू जी गारंटी क्लेम होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में चेक कर रहे होंगे। इसी तरह से ये तो मोस्टली ये जो है पूरा एज अ सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है। आप जो अपना अकाउंट खोलेंगे वो भी नज़र ऐसे ही आएगा, लेकिन ये मैंने अपना नहीं खोला हुआ, ये किसी क्लाइंट का अकाउंट है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ या उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये मेरे क्लाइंट की है और मैंने इसका चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ली हुई है। ये चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस कैसे ली जाती है ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा कि आपने अपने चाइल्ड की अकाउंट की एक्सेस जो है वो किस तरह से लेनी है। ठीक है जी, सबको आवाज़ का इशू आ रहा है या आवाज़ ठीक आ रही है सबको?
अच्छा ठीक हो गया, राइट राइट, ओके 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 ओके, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो हम अपनी ये देखें, ये लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग है, रैंकिंग भी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, आप उसकी रैंकिंग किस तरह से करवानी है। एक तो ये है कि उसके ऊपर कंपेन्स वगैरह का सेटअप करेंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे, उसके ऊपर प्रमोशन वगैरह या कूपन वगैरह को रन करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो हम जो है वो कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ एक दो और टेक्निक्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है आजकल जो रैंकिंग एंड लॉन्चिंग जो ज़्यादातर चल रही है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू चल रही होती है, वो सारे हम आगे जो है आपको पूरे कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे। तो ये जो मेन चीज़ है ये आपका अमेज़ॉन जो है वो प्राइवेट लेबल कहलाता है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो होल सेल आता है, कि होल सेल का मॉडल क्या है, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होल सेल के मॉडल में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी, अब होल सेल को देख रहे हैं, प्राइवेट लेबल ये कि आपने कोई प्रोडक्ट देखी, उसको आपने न्यू मैन्युफैक्चर करवाना है, न्यू मैन्युफैक्चर करवा के अपने ब्रांड उसके ऊपर लगाएंगे और वो आपके ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर आपका एसेट बनकर वो प्रोडक्ट जो है वो चलेगी या बिकेगी। अब होल सेल में क्या है, आप होल सेल में देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिक रही है किसी एक ब्रांड के अंडर, फर्ज करें नाइकी है, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम लेता हूँ, नाइकी, नाइकी शूज में कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, अच्छा आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये देखें ऊपर टॉप के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें रिजल्ट्स आ रहे होंगे और यहाँ नीचे डाउन साइड पे भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, तो इसको जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ये कुछ एक्सटेंशंस लगी हुई हैं इसके साथ जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो ये मुझे रिजल्ट इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, बाद में मैं आप लोगों के साथ ये एक्सटेंशन जो है वो ऐड करवा दूँ। फर्ज करें मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, अच्छा यहाँ पर देखें वो मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट को अभी ऐड नहीं करने दे रहा, मतलब वो कह रहा कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर शो नहीं हो रही। ये यहाँ पर याद होगा डिलीवर टू पाकिस्तान की कंडीशन में मैंने कहा था कि आपने वहाँ पर किसी जो कल की क्लास में मैंने कहा था कि आपने वहाँ पर जो जिस मार्केट प्लेस में है उसकी किसी सिटी का कोड डाल लेना है आपने, उसका मकसद क्या था। अब उसका मकसद जो है वो यहाँ पर आज आपको वाजे होगा कि उसका मैंने जो है वो मकसद किस लिए मैंने वो डिफाइन किया था, ठीक है। नहीं नहीं इंशाल्लाह जो हमारे साथ दो महीने काम कर लेता है या जो वर्क करता है तो वो इंशाल्लाह ताला इस कैपेबल जरूर हो जाता है कि वो जरूर वर्क करेगा, आप टेंशन ना लें इसकी तरफ, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको चांस जरूर मिलेगा, इसकी आप फिक्र ना करें जी। अच्छा एक चीज याद रखें, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी मार्केट प्लेसेस सारों को ओपन करना है और उसके अंदर जो यहाँ पर जो है वो एड्रेस डालना है, एक चीज आज वो एक एडिशनल इसमें ऐड करने जा रहा हूँ कि जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है तो आप जाहिर सी बात है वहां के सारे सेलर्स को देखना चाह रहे हैं कि वहाँ के सारे सेलर्स क्या बेच रहा है। फर्स्ट करें यूएस के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वो प्रोडक्ट यूएस के अंदर ही बिकनी है ना, तो आप चाहते हैं कि सारे सेलर्स जो यूएस के अंदर बेच रहे हैं उनका क्या ट्रेंड है, तो आपने हमेशा जो सबसे पहला काम करना होता है वो डिलीवर टू उस सिटी का, यहाँ पर आप जो है वो सिटी को चूज करके यहाँ पर डालते हैं। मैं फर्ज करता हूँ मैं यहाँ पर मेरे जहन में एक न्यूयॉर्क का आ रहा है तो मैं लिख लेता हूँ पोस्टल कोड न्यूयॉर्क, मैं जैसे पोस्टल कोड, मैं इनमें से कोई एक भी पोस्टल कोड उठा सकता हूँ, वर्क करें ये वाला मुझे पसंद आ रहा है तो मैं ये वाला एक पोस्टल कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जो है उस पोस्टल कोड को ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ऐड किया और अप्लाई के ऊपर क्लिक किया है तो वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन, ये यहाँ पर ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो मुझे कह रहा है कि वो तमाम सेलर्स जो यूएस के अंदर बेच रहे हैं मैं उनकी तमाम की प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा जो यूएस के अंदर हैं मौजूद, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेजेस एंड करेंसी सेटिंग्स,
ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल जी मुझे यही चाहिए, क्योंकि मैं अगर यूएस की मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं यूएस की प्रोडक्ट को बेचूंगा, ठीक है, और मैं उसी के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही डिलीवर टू बाग इसके ऊपर किया है तो यहाँ पर जो है वो मुझे ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर अब वो न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं वो वाली प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ जो कि डिलीवर हो सकती हैं पूरे यूएस के अंदर, या वो सारे सेलर्स जो यूएस के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमने जो है वो जिस भी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हों उसकी किसी सिटी का कोड आप डाल लें अपने पास, ताकि उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएं, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं शूज़ का लिखा है, मैं एक और दो तीन प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। किचन नाइफ, ये वाली बात सबको समझ आई है जो अभी मैंने कही है? अच्छा यहाँ पर देखें भैया ने एक कीवर्ड लिखा है किचन नाइफ। जैसे मैंने किचन नाइफ टाइप किया है तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये होलसेल की बात आपको बता रहा हूँ, पीएल में था। अब स्टार्ट में पीएल में जब आप अपना कोई नया ब्रांड डालने जा रहे होंगे या नया ब्रांड आप ऐड करने जा रहे होंगे तो वहाँ पर देखें आपने जब न्यू ब्रांड करना होता है तो यहाँ पर ये आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन होता है ऐड अ प्रोडक्ट। मैं ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो पहले अमेजोन के ऊपर बिक ही नहीं रही या वो वाला ब्रांड बिक ही नहीं रहा तो वो वाली प्रोडक्ट मैं उठाकर यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है। तो वो प्राइवेट लेबल होता है। होलसेल क्या होता है कि ऑलरेडी एक ब्रांड बहुत अच्छा बिक रहा है, आप सिंपली करते क्या है कि आप उस ब्रांड के पास जाते हैं और उस ब्रांड से जाकर कहते हैं जी कि मुझे इस ब्रांड आप मुझे परमिशन दे दें, मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, फर्ज करें आप जो है वो बाटा की शॉप ले लें, ठीक है। आप बाटा के पास वैसे आम रूटीन में अगर बाटा आप कहते हैं यार बाटा की ठीक है, मैं भी बाटा का एक बोर्ड लगाता हूँ या सर्विस का बोर्ड लगाता हूँ या कुछ और बड़े ब्रांड अर्बन सोल का फर्क करते सोल वो लगाता हूँ मैं, और मैं भी जाकर अर्बन सोल वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना शुरू कर देता हूँ, तो अर्बन सोल की प्रोडक्ट्स को आप ऐसे क्या बेच सकते हैं? हरगिज़ नहीं बेच सकते। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने अर्बन सोल्स को बेचना है तो आप अर्बन सोल्स के पास जाएंगे और उनसे आप पहले परमिशन लेंगे कि जी मैं आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको बेचना चाहता हूँ, तो वो ठीक है, वो कहेंगे अच्छा आप बेचना चाह रहे हैं, आप फ्रेंचाइज ओपन करना चाह रहे हैं, तो यही हमारा क्राइटेरिया है, इसको अगर आप फुलफिल करते हैं इतनी आप इन्वेंट्री हमसे परचेज करेंगे ये चीज़ें करेंगे तो देन हम आपको ये प्रोडक्ट जो है वो बेचने देंगे या आप बेच सकते हैं, अदरवाइज आप इन प्रोडक्ट्स को बेच नहीं सकते। तो इन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि जो है वो इन 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 कंडीशन के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपने किस ब्रांड के अंदर जाना है या किस ब्रांड के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को वर्क करना है। तो वो अभी हम देखते हैं कि कौन सी हम प्रोडक्ट को भेज, आप फर्ज करें ये वाली जो प्रोडक्ट है अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये देखें इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी चार सेलर्स बेच रहे हैं। यहाँ पर देखें न्यू में चार सेलर्स बेच रहे हैं यहाँ पे। आप अगर इस प्रोडक्ट को बेच, आप एक तो ये काम करेंगे आप कहते हैं नहीं मैं ये प्रोडक्ट इससे बाय करके ना न्यू प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेता हूँ, ये वाला जो ब्रांड नेम है ना यहाँ पर लिखा हुआ, ये जो इमार्को के नाम से एक ब्रांड नेम है, ये देखें यहाँ पर भी आपको ब्रांड नेम नज़र आ रहा है, ये इसका स्टोर जो है यहाँ पर भी आपको इसका ब्रांड नेम नज़र आ रहा है, तो ये मार्को के नाम पे ब्रांड नेम है और यहाँ पर देखें इसकी पिक्चर के ऊपर भी मार्को लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ब्रांड है ऑलरेडी इस ब्रांड के अंदर बिक रहा है। अब एक तो ये तरीका है कि मैं चाहूँ कि यही वाली सेम प्रोडक्ट है मार्को की बाय करूँ और इसको न्यू लिस्ट कर दूंगा, अमेजोन कहेगा आप ऐसे लिस्ट नहीं कर सकते कि आप किसी और का ब्रांड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस तरह से आप नहीं उसको लिस्ट कर सकते। हाँ ये है कि आप इस ब्रांड को अपने नाम पर लगवाएं, अपना ब्रांड रजिस्टर करें, यही सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, अगर ये प्रोडक्ट जो है अगर हो सकती है इसमें थोड़ी बहुत स्लाइड वेरिएशन करके फिर बेच सकते हैं, तो वो अगर बेचेंगे वो तो प्राइवेट लेबल होगी और प्राइवेट लेबल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइवेट लेबल की एक डिफरेंट चीज़ें। आप चाहते हैं कि मैं इसी सेम प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, बेचूंगी यहाँ पर अगर चार लोग पहले ऑलरेडी बेच रहे हैं, ये देखें यहाँ पर आपको ये इसके ऊपर नज़र आ रहा है कौन कौन बेच रहा है। यहाँ पर ये देखें ये जो है ये एक बंदा बेच रहा है,
ये मार्को यूएसए खुद भी बेच रहा है, और अगर नीचे आ जाएं तो ये देखें एक सुपर सुपर स्पर्ब माल के नाम से बेच रहा है, एक यहाँ पर अगर देखें तो मार्को यूएसए के नाम से भी ये खुद भी बेच रहा है, और यहाँ पर देखें न्यू किचन के नाम से। तो इसने कुछ लोगों को वहाँ पर जो है वो इजाज़त दी हुई है कि आप जो है वो यहाँ पर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पांचवा सेलर इसमें बनना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो सिंपली इसके पास जाऊँगा और पहले इस ब्रांड से परमिशन लूँगा कि मैं आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये बेचना चाहता हूँ, आप क्या मुझे परमिट करते हैं। तो वो अगर मुझे परमिशन कर देगा तो यहाँ पर मैं खुद को अपना एज अ पांचवा सेलर ऐड कर दूंगा। अमेजोन मुझे इसकी न्यू लिस्टिंग नहीं करने देगा, हमें जो है वो ऑलरेडी जो पुरानी लिस्टिंग हुई है उसमें मैं भी पांचवा सेलर इसमें ऐड हो जाऊंगा। तो इसको जो ऑलरेडी सेल्स आ रही होंगी या चीज़ें आ रही होंगी उसमें मैं भी हिस्सेदार बन जाऊंगा, ठीक है। फर्ज करें इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट के ऊपर 100 या 150 या 200 सेल्स आ रही हैं, तो 5 सेलर के ऊपर जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी वो कुछ मेरे पास भी सेल्स आ जाएंगी। तो मैं जो है वो सबसे पहले इसे परमिशन लूंगा। तो यहाँ पर पहले होलसेल में यही होता है कि फाइंडिंग अ हाई सेलिंग ब्रांड या प्रोडक्ट, आपने हमेशा स्टार्ट में क्या करनी होती है कि आपके होलसेल के ऊपर एक प्रोडक्ट उतरे जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट या ब्रांड है वो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर उतरे, और उसके बाद जो है आप उसके पास जाते हैं कि सबसे पहला काम ये होता है कि फाइंड डायरेक्टली, अगर वो जो है वो ब्रांड आपको डायरेक्टली इजाजत दे रहा है तो आप उससे डायरेक्ट परमिशन जाके ले लें, या उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर या सिलेक्टेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और वहाँ से जाके उससे परमिशन ले लें। फिर आप उसके साथ एक साइनअप करते हैं कि जी वो जो ओपन करते हैं एक अकाउंट साइनअप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ, उसके साथ आप एक अकाउंट ओपन करते हैं जो सेलर जो B2B का अकाउंट होता है या जो होलसेल का अकाउंट होता है उसकी वेबसाइट के ऊपर, या वो जो भी लिंक आपको सेंड करेगा जी ठीक है आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं आप हमारे साथ जो है काम कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप बाटा के साथ आप करने जा रहे हैं तो बाटा क्या करेगा आपको अपना एक ऑथराइज डीलर कंसिडर कर लेगा या ऑथराइज एक फ्रेंचाइज टाइप आपको दे देगा, वो कहेगा ठीक है आप हमारे जो है वो एक किस्म के आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, आपको हम जो है वो ये प्रोडक्ट्स देंगे। तो आपने बाटा से पहले परमिशन लेनी है जाके, ठीक है जी कि मैम आपके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ से भी आपने ब्रांड से पहले परमिशन लेके फिर उसके साथ एक साइनअप डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उससे जब वो मिल जाता है तो आपको एक रीसेलर परमिशन देता है कि ठीक है आप जो है वो मुझे मैं आपको इजाज़त देता हूँ आप जो है ये परमिशन लेटर अमेजोन को दिखा दें और इसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आप खुद को ऐड कर लें। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास रीसेलर परमिशन होती है, फिर आप उसको जो है प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये, बल्कि वो स्टार्ट में ही आप एनालाइज कर लेते हैं सारी प्रोडक्ट्स को कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, वो जब उतरती है क्राइटेरिया के ऊपर देन आप ये परमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो पोटेंशियल है, उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मी टू के, मतलब मैं भी ये टर्म मैं भी ये बेचना चाह रहा हूँ, तो वो मी टू आप उस प्रोडक्ट के साथ कर देते हैं, ठीक है कि उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ लिंक हो जाते हैं, मतलब 4 सेलर पहले बेच रहे थे तो 5वें, 10 सेलर अगर उसमें बेच रहे थे तो 10वें में से 11वें सेलर आप उसमें ऐड हो जाते हैं। परचेज लेस इन्वेंट्री, स्टार्ट में आप परचेज करते हैं लेस इन्वेंट्री को और अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचा देते हैं, और फिर उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विन बाय बॉक्स एंड स्टार्ट सेलिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी विनिंग बहुत ज़रूरी होती है होलसेल के अंदर, और इसी की बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं। सादा अल्फाज में अभी मैं बता देता हूँ, ये जो बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का बटन आपको नज़र आए ये बाय बॉक्स होता है। अमेजोन में सारा खेल इसी का है, सॉरी होलसेल में जो अमेजोन के ऊपर है वो सारा जो काम है वो इसी बाय बॉक्स का है, ठीक है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स क्या चीज़ है जब हम प्रॉपर होलसेल को स्टार्ट कर देंगे या उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब आपकी वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है तो उसी सेलर से दोबारा जो है वो हम इन्वेंट्री सेकंड बाय करते हैं, और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। ये ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी हमने बता दी है कि आप किसी और जगह से अपनी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, मतलब फर्ज करें सैम क्लब से आपने एक प्रोडक्ट जो है वो लेस प्राइस के ऊपर वो लिस्ट हुई हुई है अमेजोन के ऊपर, उसको हाई प्राइस के ऊपर लिस्ट कर देते हैं, वहाँ से जाके सैम क्लब से प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करके कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं, और उसमें से अपना जो आपका कमीशन है, फर्ज करें $20 की प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर लिस्ट की हुई थी, $10 की आपको प्रोडक्ट जो है वो सैम क्लब से मिली है, और $10 का मार्जिन आपके पास मौजूद होगा, मीन उस 20 में से 10 उनको दे देंगे और बाकी जो होगा वो आपका होगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि ऑर्डर की फुलफिलमेंट जो है वो, यहाँ तक सबको क्लियर है
यहाँ तक अगर मुझे यहां तक सबको क्लियर है ये एक दफा देख लें। अच्छा हाँ, ये बहुत से सवालों का सर ब्रांड से परमिशन कैसे लेनी है, वो सारी आगे की बातें, ठीक है। ये मैं सारी चीजें जो हैं वो आगे बताऊंगा कि आपने परमिशन कैसे लेनी है। पहले तो अभी प्रोडक्ट हंटिंग हमने स्टार्ट करनी है, अभी तो बड़ा इनिशियल प्रोसेस, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि होते क्या है और उसमें हमने स्टेप्स क्या करने हैं। जिस तरह से एक आपको आउटलाइन दिखाई जाती है ना, अच्छा ये एक आउटलाइन है, हम इसको करेंगे, अभी तो ये एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमने छलांगे लगानी है। ये समझ लें कि पूरा समंदर है जिसके अंदर हमने जो है ना वो गोताजन होना है, हमने उसके अंदर जो है वो हमने उसके अंदर जंप करना है। तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा कि आप लोगों ने करके देने ये सारे काम करने हैं। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएं कि ऑर्डर की फुलफिलमेंट कैसे होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दो मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास पीछे मॉडल थे प्राइवेट लेबल बिजनेस के, होलसेल के, अब दो मेथड्स हैं ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। तो वो कौन से मेथड हैं, एक कहलाता है FBA और एक कहलाता है FBM। FBA क्या है, फुलफिल्ड बाय Amazon। Amazon कहता है आप दुनिया जहान के किसी कोने से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं और Amazon के वेयर हाउस पे पहुंचा दे, उसके बाद आपका हेडेक खत्म। वो कहता है बस ठीक है, आप फिनिश, आपने जो प्रोडक्ट पहुंचानी थी वो मुझ तक पहुंचा दी है, उसके बाद की तमाम जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं उसी प्रोडक्ट को पिक भी करूंगा, पैक भी करूंगा और शिप भी करूंगा, और इसके एवज मैं आपको अगर किसी किस्म का कोई रिटर्न आता है तो उसको भी खुद डील करूंगा, कस्टमर को सपोर्ट भी खुद प्रोवाइड करूंगा। ये जो मॉडल है ये FBA कहलाता है, फुलफिल, जिसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेजोन अपने ऊपर ले लेता है। फर्ज करें आप यहाँ पर बैठे हुए, आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से US के वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं, उसके बाद वो उसको पिक पैक शिप सारा कुछ खुद कर रहा होगा, अपने वेयर हाउस में रखवाएगा, सारा कुछ करेगा, और उसकी बेसिस के ऊपर आपसे जो फुलफिलमेंट के चार्जेज हैं वो आपसे लेगा कि आपने अगर FBA किया है तो उसके बेसिस के ऊपर वो आपसे फुलफिलमेंट चार्ज कर रहा होगा। वो जो चीज़ कहलाती है वो FBA कहलाती है। FBM क्या है, अमेजोन आपको अपना प्लेटफॉर्म दे देता है कि ठीक है आप जो है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो FBM कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आपके पास अपना वेयर हाउस है वहाँ पर, या अपनी प्रोडक्ट आप अपने पास रखवा सकते हैं या रख सकते हैं, तो वो कहता है कि आप इसको खुद अपने पास रखें, और उसके बाद जो है पिक पैक एंड शिप आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, और डिलीवर भी आपने खुद करवाना है, जो भी हमारा कोई इंटीग्रेटेड पार्टनर है उसके थ्रू करवा लें, या कोई और शिपिंग कोरियर वाले हैं उसके थ्रू आप जो है वो अपनी फुलफिलमेंट कर लेंगे, और रिटर्न आएगा तो उसको भी आपने खुद डील करना है, और अगर कोई किसी किस्म की कस्टमर सपोर्ट होगी तो वो भी खुद ही कर रहे होंगे। हम ये है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट अपने यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक सादा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अगर दराज के ऊपर काम कर रहा है, अगर दराज के ऊपर जो है वो या इन फ्यूचर कोई काम करेगा, तो स्टार्ट में वो क्या करेगा, होल से किसी मार्केट प्लेस से कोई प्रोडक्ट उसको पसंद है, फर्ज करे किचन से रिलेटेड है कोई पसंद आ गई उसकी प्रोडक्ट से, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किचन की वो प्रोडक्ट जो है वो आप होलसेल मार्केट से या वहाँ से 10-15 पीस उठा के अपने घर पे रख लेंगे, और दराज के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है। जब वो लिस्ट हो जाएगी या वो प्रोडक्ट आपके पास वहाँ पे पड़ी हुई होगी या मौजूद होगी, तो आपने उसके बाद करना क्या है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपने खुद ही उसकी प्रिंट निकालनी है, रसीद को लगा कर आपने ऑर्डर के ऊपर लगा देनी है, और उसके बाद उसको पिक पैक एंड शिप आपने खुद ही करना है, मतलब आप अपने घर के ऊपर ही उसको पिक करेंगे, पैक करेंगे एंड शिप करके जो है वो दराज के हब के ऊपर पहुँचा देंगे, तो दराज के हब के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट आगे कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी। तो ये जो आप अपने ओन पे सारा कुछ कर रहे हैं, अपने घर को यूटिलाइज करते हुए खुद ही पिक पैक करके जो है वो भिजवा रहे हैं, वो जो चीज़ कहला रही है वो FBM है, जिसमें मर्चेंट इन्वॉल्व है या सेलर इन्वॉल्व है पिक पूरे ऑर्डर को डिलीवर करने में, ठीक है, पिक पैक एंड शिप वो खुद कर रहे हैं, तो वो FBM है। FBA के केस में अमेजोन के ऊपर आपने वेयर उसके ऊपर प्रोडक्ट पहुँचा देनी है, उसके बाद जो है वो सारी जिम्मेदारी जो होगी वो अमेजोन की होगी। तो मैं जो आपको फर्नीचर वाली बात कर रहा था वो हम FBM कर रहे हैं, मतलब हमने अपना वहाँ पर हमारा वेयर हाउस है उसके ऊपर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर पड़ी हुई हैं, और वहाँ से जो है वो
प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगी, तो वो फर्नीचर कैटेगरी जो है वो एफपीएम में आती है। अच्छा वो बाद में अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला वो बताऊंगा। अच्छा अब जो है वो जो दराज वाली बात है वो मैं एंड पे आपको कभी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत बता दूंगा। अब थोड़ा सा अच्छा एक मेरा सवाल है आप सबसे कि कौन सा बेहतर है, एफबीए बेहतर है या एफबीएम बेहतर है? एक में अमेज़न सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, एक में जो है वो अच्छा कुछ कह रहे हैं एफबीए, कुछ कह रहे हैं एफबीएम। अच्छा वेरी नाइस, मोस्टली लोग कहते हैं एफबीए, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा याद रखें जी एफबीए से, बहुत से लोग कह रहे हैं एफबीए से एफबीएम है, कुछ एफबीएम की तरफ जा रहे हैं, कुछ एफबीए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा इसमें जो है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मोस्टली जो है वो एफबीए की साइड पर है। लेकिन एक बात याद रखें, एफबीए करेंगे या एफबीएम करेंगे उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आपने एफबीए किस बेस पे करना है और एफबीएम किस तरह से करना है, उस सिनेरियो को जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफबीए वर्सेस एफबीएम, आप एफबीए किसके किस बेसिस के ऊपर लेते हैं और एफबीएम किस बेस के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं दो तीन लिंक ओपन कर लेता हूँ, जो भी लिंक अच्छा होगा उसको हम देख लेंगे। अच्छा हम देखते हैं कि एफबीए और एफबीएम में क्या मेन फ़र्क है। अब ये कुछ सिनेरियोज हैं जिस बेसिस के ऊपर हम एफबीए करते हैं या एफबीएम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफबीए किस बेस के ऊपर किया जाएगा। द प्रोडक्ट यू सेल आर स्मॉल एंड लाइट वेट, सबसे बड़ी बात पहली बात ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल वेट है या लाइट वेट है, तो उस केस के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट को एफबीए करेंगे। बल्कि प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर की प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट होती है, बल्कि प्रोडक्ट होती है, तो उस केस में हम एफबीए नहीं करेंगे, उस केस में हम एफबीएम करेंगे, ठीक है। तो लाइट वेट होनी चाहिए, स्मॉल वेट होनी चाहिए। यू आर ओके सराउंडिंग कंट्रोल, इसमें जो मोस्टली क्या होता है कि आप अपना सारा जो है वो ऑलमोस्ट जो कस्टमर के ऊपर कंट्रोल होता है वो अमेज़ॉन के पास होता है। वो जो अमेज़ॉन है वो सारी आपको पिक पैक एंड शिप की जो है वो जिम्मेदारी दे रहा होता है, तो इसमें मोस्टली कंट्रोल जो है वो अमेज़ॉन का होता है। यू वॉन्ट अमेज़ॉन टू हैंडल यूर कस्टमर सर्विसेज, अगर आप कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो उस बेस के ऊपर भी जो है वो आप जो है वो एफ बी ए करते हैं। योर इन्वेंट्री टर्न्स ओवर क्विकली, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी बिक रही है, फर्ज करें उसके डेली के 100, 200, 300 ऑर्डर्स आ रहे हैं या 50-60 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 50-60 ऑर्डर्स आप डेली के बेसिस पे प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको एक वेयर हाउस चाहिए, एक लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको वहाँ पे अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो उस बेसिस के ऊपर, आप अगर अपने बेसिस पे करेंगे तो वो नहीं कर सकते, तो इस केस के अंदर जो है वो आप एफबीए कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास वहाँ पे वेयर हाउस मौजूद नहीं है, अब यहाँ से जो बेच रहा है वो जाहिर सी बात है एफबीए करेगा, एफबीए करेगा तो वो वहाँ पर बिकेगी, अदरवाइज आपके पास वहाँ पर आपको रियल टाइम एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा, वहाँ पर कोई बंदे रखने पड़ेंगे वेयर हाउस को हैंडल करने के लिए, जाहिर सी बात है अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करना है, तो एक अपना सारी चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ होगी तो देन आप उस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, मींस आपके पास वहाँ पर कोई वेयर हाउस नहीं है, तो देन आप जो है वो एफबीए कर रहे होंगे।
योर एक्सपेंसेस वुड बी हायर इफ यू फुल। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एफबीए कर रहे होंगे तो उसमें एफबीए की फीसेस वगैरह ऐड हो जाएंगी, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब एफबीएम किस किस में करेंगे, यू वांट मोर कंट्रोल ओवर योर कस्टमर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप करेंगे। योर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज प्रैक्टिसेज आर इन प्लेस, अगर आप कस्टमर सर्विस खुद प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर आप एफबीएम करेंगे। द प्रोडक्ट यू सेल आर ओवर साइज और हैवी, ये देखें प्रोडक्ट जो है वो ओवर साइज है या हैवी है, तो वो उसके ऊपर, अगर आपके पास अपना वेयर हाउस है वहाँ पर या कोई लॉजिस्टिक्स की प्लेस है तो फिर आप एफबीएम करेंगे। यू आर एबल टू मिटिगेट द एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग, ठीक है, तो ये वाली जो है अगर आप खुद उसके एक्सपेंसेस जो है वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब आपने फर्ज करें एक वेयर हाउस के चार्जेस होंगे वो भी आप खुद वहाँ पे कर रहे होंगे, और क्या नाम है उसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स है जो आपका कोरियर है उसके थ्रू जो आप अपनी सर्विसेज जिसको भी हायर करेंगे वो आपने खुद अपने ओन के ऊपर जो है वो पे करना है। योर इन्वेंट्री टर्न स्लो, अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत स्लो निकल रही है तो वो जाहिर सी बात है आपने उसकी बेस के ऊपर भी एफबीएम करना है। एफबीए जो है वो जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट तेज क्विकली निकल रही होगी, लाइट वेट होगी, आपके पास अपना वेयर हाउस नहीं है, आप अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिस तरह से हम पाकिस्तान से वहाँ पे बेचना जा रहे हैं तो हम तो हर सूरत में एफबीए करेंगे, ओके। और एफबीए की बेसिस के ऊपर बहुत सी और भी जो है ना अमेज़ॉन हमें अपॉर्चुनिटीज देता है या हमें उसकी बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह या वो प्रोवाइड करता है, उसको उस डिटेल को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या डिटेल्स हैं या किस किस बेस के ऊपर वो हमें जो है वो एडवांटेजेस देता है कि हम जो है एफ बी ए करें या एफ बी एम करें। लेकिन मेन जो होता है वो इस सिनेरियो को, अगर आपके पास अपनी लॉजिस्टिक्स है, आपके पास अपना वहाँ वेयर हाउस है, आपकी प्रोडक्ट जो है बल्की है, हैवी है, ओवर साइज्ड है, आप खुद कस्टमर को डील कर सकते हैं, आप मैनुअली सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, तो देन आप एफ बी एम करेंगे। एफ बी ए में जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अमेजोन पर डाल देते हैं और उसके बस कहते हैं अमेजोन को जो भी आपके चार्जेस बनते हैं वो मुझसे ले ले और मुझे जो है वो आप अपने साथ बिजनेस करने दो, तो उस केस में जो है वो आप एफ बी ए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आज का आई थिंक सो एफ बी और एफ बी एम वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर की सेशन की तरफ आता हूँ, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक करके जो है वो आप लोग अपना हैंड रेज कर लें और क्वेश्चन जिनके हैं वो कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा अच्छा पहले ये बता दें आप लोगों को, सबको समझ आई है आज का जो अभी लेक्चर था? यस सर आ गया सर। चलें ठीक हो गया, डन हो गया सर। सर समझ आ गई है। अच्छा जी ठीक है ठीक है। अच्छा एक एक करके क्वेश्चन पूछिएगा, हैंड रेज कर ले मैं ताकि एक एक करके मैं सबसे क्वेश्चन पूछूं। जी मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो इससे मैं एलएलसी ओपन कर सकता हूं यूएसए में? जी जी दोबारा क्वेश्चन करें। जी 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 बताएं अभी क्वेश्चन बताएं। जी सलीम साहब आप क्वेश्चन करें। जी मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है सऊदी अरब का, क्या मैं यूएस में वो एलएलसी ओपन कर सकता हूं? नहीं 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 नहीं, आप यूएस के उसके ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कल आपको बताया था कि आप जो है वो चार सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, तो जो यूएस के अंदर जिसका अकाउंट है वो उन तीन कंट्रीज के अंदर या चार कंट्रीज के अंदर भेज सकता है, इसी तरह यूके के अंदर जिनका अकाउंट है वो उन चार कंट्रीज के अंदर भेज सकता है। मैं एक दफा दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। तो सर वो सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट से एलएलसी खोल सकते हैं? जी प्रोफेशनल अकाउंट जो है अगर आप कंपनी ओपन हुई है तो वहां से आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर जो है वो आप तो बल्कि आपका अगर सऊदीया का अकाउंट है तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो सकते, आप सिर्फ सऊदीया या यूएई के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अच्छा आपने अगर एक तो अगर यूएस के लिए बेच रहे हैं तो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर यूएस का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ये है कि अगर एक चीज चेक कर लें कि सऊदीया के क्रेडेंशियल्स के ऊपर आई थिंक सो जो है वो यूएस के अंदर अकाउंट नहीं ओपन होगा, तो वो यूएस के अंदर अगर आपने ओपन करना है तो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे ओपन हो जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, और मैं जो आप लोगों को अकाउंट ओपन क्रिएट करवाऊंगा वो यूएस के क्रेडेंशियल्स पे ही होगा। सही है सर, बहुत शुक्रिया। वो यूएस के अंदर ही होगा ओपन। जी जी
सलीम साहब जी जी ठीक हो गए सलीम साहब सलीम 1978 मिस आमना सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्राइवेट लेबल या होलसेल करने के लिए अगर हम किसी ब्रांड से परमिशन लेते हैं तो उसको हमें मंथली या वीकली कोई अमाउंट देनी पड़ेगी उसको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी बिल्कुल जी और अमाउंट भी देनी पड़ेगी कोई वीकली या मंथली नहीं नहीं उसको अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी अमाउंट जो है नहीं नहीं उसको अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी आप उससे सिर्फ जो है वो बल्क में सामान उठाएंगे और अपने पास इसको उसी से सामान उठा के आप FBA करवा देंगे अमेज़न के वेयर हाउस पे पहुंचा देंगे उसको अमाउंट उस प्रोडक्ट की बेस पे नहीं देनी पड़ेगी जो उससे आप बल्क में उठाएंगे प्रोडक्ट्स उसकी बेस के ऊपर फर्ज करें आपने बाटा के पास जा रहे हैं तो बाटा से आपने जो है वो शूज बल्क में उठाने हैं तो उसके आपने पैसे देने हैं हमने ठीक है आपने उस प्रोडक्ट के लिए मंथली हाँ आपको जो देना पड़ेगा वो अमेज़न को पे करना पड़ेगा जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे सेलर सेंट्रल के ऊपर वो अमेज़न को आप पे कर रहे होंगे UK के अंदर £25 है मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रोफेशनल अकाउंट है और इसी तरह से US के अंदर $39.98 है थैंक यू सर जी और मिस सादिया सर मेरा ये क्वेश्चन था आपने FBA और FBM का बोला है तो ये हम लोग मतलब हम लोग अपना चेंज कर लेंगे यानी कि अगर हम ये इस आज के दिन जो हम लोग डील कर रहे हैं उसमें हमें FBA चाहिए FBM की सर्विस चाहिए तो हम वो चेंज कर देंगे या ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है या क्या सीन होता है इसका नहीं नहीं देखें आपका अकाउंट मेन सेलर सेंट्रल अकाउंट वही सेम होता है जब आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना होता है तो वो वहां से आप सिलेक्ट करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को FBA करने जा रहे हैं या FBM करने जा रहे हैं अकाउंट के ऊपर कुछ ईच मतलब के प्रोडक्ट पे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं आपको ऑलरेडी वही सेम प्रोडक्ट एट अ टाइम आप FBA भी कर सकते हैं FBM भी कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को आप FBA कर सकते हैं कुछ को FBM करना चाहें वो आपकी मर्जी है जिसके ऊपर जो भी करना चाहें ओके सर और सर हम USA और UK दोनों का बना सकते हैं अकाउंट या एक ही एक टाइम पे बना सकते हैं एक क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपका एक ही अकाउंट बनेगा अगर एक दफा US के अंदर बनेगा तो फिर वो UK के अंदर नहीं बन सकता फिर आपने डिफरेंट उसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर आपने UK का अकाउंट क्रिएट करना ओके थैंक यू सर जी और कोई क्वेश्चन अच्छा, एक और चीज ऐड कर दूंगा यूके के लिए आपको अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है LTD कंपनी वो मैं आगे आपको करना सिखाऊंगा वो उसकी बेस के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होगा जबकि US के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए LLC की रिक्वायरमेंट है जी सर आपने ये जो बताया कि सर हाउस तक पहुंचाना है जी जी अच्छा एक मिनट सर मुझे देंगे मेरी एक कॉल आ रही है मैं जरा कॉल एक पिक कर लूं एक मिनट मुझे दीजिएगा जी अभी क्या क्वेश्चन था अभी करने पूछे अस्सलाम वालेकुम सर मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप जो कह रहे हैं ना कि आपने अगर FBA यूज करना है तो वेयर हाउस तक सामान पहुंचाना है
तो ये भी हमें सिखाया जाएगा आगे जी, ये सारी चीजें शिपमेंट प्लान क्रिएट किया जाता है ना, वो उसमें यही चीजें सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने ये चीज लिखी नजर आई होगी आपको, ये जो शिपमेंट प्लान है, ये जो ये आपका इसी में होगा। जी और क्वेश्चन सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी देखे ना आपके मेरे पास रिक्वायरमेंट आपने ये बताई है। हेलो जी जी मिस जी सर, मैंने पूछना था कि ये जो आपने सारे पेपर वर्क के बारे में आपने बताया कि अकाउंट सैलरी अकाउंट के बारे में जितने भी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये आपको बोलूं कि सर इनमें से सारी जो एक ही नाम पे, मेरे कजन है तो वो सऊदी अरब में होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, वीजा कार्ड होगा, जो भी होगा, जैसे जैसे एटीएम कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, कुछ भी है, सब कुछ उन्हीं का मैं यूज करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर, सारी डिटेल्स उन्हीं की, फिर इसका मतलब वो सारा उन्हीं का आप इसको कंसीडर करें ना कि वो सारी चीजें होंगी तो किसी और के नाम पे वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन तो हो जाएगा लेकिन डिटेल सारी सेम होनी चाहिए। जी सर, ऐसा ही होगा सर जी। जी जी सर जी जी मिस, ये हमें अकाउंट यूके में बनाना चाहिए या यूएसए में? स्टार्ट में आपका यूएसए के अंदर बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट प्लेस में जाना चाह रहे हैं। यूएस और यूके के दोनों के अकाउंट्स बेहतर हैं और जो है ना वो दोनों में ही आप जो है वो काम कर सकते हैं, यूएस या यूके के अंदर। लेकिन यहाँ से एक बता दूंगा, यूके के लिए आपको एलटीडी कंपनी चाहिए, वो जो एक 20-25 पाउंड में वो कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो वो जो है वो चाहिए। और वहाँ पर जो है वो फ्री का स्टार्ट में इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है, लेकिन आपने जब उसको प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट करना है तो वो जो अकाउंट है वो तकरीबन आपका $90 वो सॉरी उसके बाद वो एलएलसी कंपनी के वो एलएलसी के ऊपर वो आपका शिफ्ट होगा या बनेगा। सर हमें कौन सी बेस्ट है कंपनी, यूके की या यूएसए की? स्टार्ट में देखिए दोनों की अपनी है, दोनों मॉडल अपने डिफरेंट वर्क पे करते हैं। यूएस के अंदर जो काम कर रहा है वो अगर होलसेल का काम करना चाह रहा है तो यूएस की भी प्रायोरिटी होती है, अगर वो पीएल का काम करना चाह रहा है तो वो दोनों जो है वो यूएस और यूके दोनों के ऊपर जाया जा सकता है। मार्केट प्लेस यूके वाली ज़रा लेस कंपटीशन वाली अभी तक स्टार्ट में है, यूएस की कंपटीशन वाइज जो प्रोडक्ट है वो या कंपटीशन वाइज मार्केट प्लेस ज़रा ज़्यादा है क्योंकि बड़ी मार्केट प्लेस है, वहाँ पर लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन यूएस के अंदर भी आप बना सकते हैं, यूके के अंदर भी बना सकते हैं, मोस्टली दोनों का इक्वली अपॉर्चुनिटी या स्कोप है डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से। लेकिन अगर होलसेल वाली बात की जाए तो वो यूएस के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स ज़रा ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आपने पीएल करना है तो यूके वाली साइड पे आ जाए। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, अल्लाह हाफिज़। सर मैंने ये सर मेरा बस एक लास्ट ना एक लास्ट क्वेश्चन है सर जी, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि जैसे अभी यूएसए में एक अकाउंट मैंने आपको बोला कि अपने कजन के ना डॉक्यूमेंट पे वो उधर खुल जाएगा और कल को मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते तो दूसरा अकाउंट मैं यूके में बना सकती हूँ? जी यूके में बना सकते हैं लेकिन एलटीडी कंपनी पहले ओपन करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप बना सकते हैं। लेकिन वो आप अपनी डिटेल्स के ऊपर बनाएंगी, वो सारी चीजें जो है उस डिटेल के ऊपर बनेंगी। हां जी, एक मैं अपनी डिटेल पे बना लूं, एक उनके डिटेल पे बना लूं तो फिर दोनों अकाउंट मेरे रन कर सकते हैं? एक कंपनी की डिटेल पे बन जाएगी, एक उनकी डिटेल पे बन जाएगी, तो बिल्कुल बन जाएगी दोनों अकाउंट। सर हम एक ही अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग और होलसेल कर सकते हैं? किया जा सकता है ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल। ड्रॉप शिपिंग भी आप किसी ब्रांड को ही करके यूज करके कर रहे होते हैं और होलसेल जो है वो भी जाहिर सी बात है किसी ब्रांड से परमिशन लेने के बाद उसको एफबीए कर रहे होते हैं या एफबीएम को एफबीएम ही यूज कर रहे होते हैं, तो वो दोनों काम हो भी सकते हैं, लोग ऐसे करते भी हैं। स्टार्ट में कोई एफबीए का अकाउंट हो उसके बाद उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लेके जाते हैं। यूएस के लिए जो है वो एलएलसी ओपन करनी पड़ेगी अगर यूएस के अंदर आप होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, और अगर यूके के अंदर करना चाह रहे हैं तो एलटीडी कंपनी ओपन होगी और वहां से आप जो है वो उसको बता सकते हैं।
ओके सर ठीक है। अभी आपने जो शुरू में हमारा इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है इस पे ही सर मैंने ना सुबह अपने लिए ना वो लैपटॉप बाय करना है, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्योंकि मैं किसी और से पूछ नहीं सकती हूँ कि मुझे उसमें क्या किस किस्म का या कोई ऐसी फास्ट चीज या कोई उसका मॉडल का कोई आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे सुबह अपने लिए लैपटॉप बाय करना, तो इससे मैं आपसे पूछने के उसमें डेली एचपी में आप अपना वो देख लें बजट आपका क्या है, डेली एचपी में चले जाएं और अपना बजट मेरा बजट 30 से 35 हजार है सर। ठीक है डेल में चले जाएं आप, डेल में देख लें आपको डेल में मिल जाएगा 30 से 35। सर उसकी रैम का कोई रैम के बारे में बता दीजिए क्या रैम तू नहीं ले सकते पढ़ नहीं सकते आप 8 GB की जो है वो रैम आप रखवा लें और बाकी जो है फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन तक शायद आपको मिल जाएगा और उसमें जो है वो अगर SSD हो सकती है तो वो लगवा लें, नहीं तो नॉर्मल भी अगर हार्ड चल रही है तो वो दे 8 GB की रैम काफ़ी होगी मेरे ख्याल से, इतने से पैकेज में इतनी इसी रेंज में शायद आपको जो है ना वो मिले। अगर जी, वो बोले थे कि जो यूज़ किया हुआ है ना तो वो मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो डेल में चले जाएँ और उसमें आप देख लें आपको मिल जाएगा इसमें 30-35 हज़ार। अपना तो इस पे हमारा वर्क स्टार्ट हो सकता है की यहाँ हम प्रोफेशनल बनाएंगे उसपे होगा जो आपने कहा है प्रोफेशनल। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से वर्क करना है क्या करना है, अभी स्टार्ट में सिर्फ आप लोगों के अकाउंट क्रिएट करवाए जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे। सर हम इंडिविजुअल अकाउंट पे अर्निंग कर सकते हैं 40 यूनिट्स तक आप जो है उसके ऊपर बेच सकते हैं, उसके बाद जो है वो आपको अगर इससे ज्यादा सेल होगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या कुछ करके आना है, एक तो इन मॉडल्स का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, प्राइवेट लेबल होलसेल ये होता क्या है और इससे क्या मुराद है। अच्छा अगर हो सकता है अगर हो सके तो प्राइवेट लेबल की जो एक तो इन मॉडल्स को जरा अच्छी तरह डिस्कस कर लें। अच्छा इन मॉडल्स में क्या क्या कुछ हो सकता है, कुछ आप अगर देखना चाह रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग है वो किस तरह से हो रही है तो वो आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी अगर इन 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 चीज़ों को ना ज़्यादा देखिएगा क्योंकि इनमें शायद आपको कन्फ्यूजन ज़रा ज़्यादा हो जाए, और इसी तरह से होल सेल जो है वो आप यहाँ पर जाके चेक कर लें कि होल सेल क्या होती है, होल सेल से रिलेटेड जितनी कुछ आपको वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर मिलती हैं वो आप थोड़ी बहुत देख लें, जो समझ आ जाती हैं ठीक है, नहीं समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है वो आपको अगले कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल में बता दिया जाएगा। अच्छा एफबीएन एंड एफबीएम की आप डिफरेंसेस को अच्छी तरह से देख कर आ जाएं, इन मॉडल्स को आपको मतलब जितने इससे रिलेटेड एक्सक्यूज मी क्या बोला आपने, मैंने कहा इनका डिफरेंस पीएल एंड होलसेल का जो डिफरेंस है वो आप देख कर आ जाएं, मॉडल्स का डिफरेंस जो है वो देख कर आ, मेथड जो है हमारे एफबीएन एंड एफबीएम है उनके आप देख लें। अच्छा एक आप काम और कर लें कि आप जो US और UK के अंदर उनकी कंट्री कोड्स को यूज करते हुए वही सेम प्रोडक्ट्स, फर्ज करें आपने कटिंग बोर्ड लिखा है तो कटिंग बोर्ड को आप हर मार्केट प्लेस ओपन करें और डिलीवरेबल टू उसी की सिटी को यूज करते हुए US और UK में चलें कर लें या यूरोपियन की सारी स्टेट्स के अंदर करके वहाँ पर जो है वो आप प्रोडक्ट्स को सेम ही प्रोडक्ट को आप सर्च करें, फर्ज करें वाटर बॉटल यूज करें वाटर बॉटल को UK में भी सर्च करें, US के अंदर भी सर्च करें और यूरोपियन कंट्रीज 3-4 और पिक कर लें वहाँ पे भी सर्च करें और देखें रिजल्ट क्या आ रहे हैं लोग उसको ठीक है ना, इस तरह की चीजें आप जो है वो सर्च करना शुरू करें। बाकी थोड़ा सा हमें ये लैपटॉप सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हांगकांग में मेरा आईडी कार्ड पे एड्रेस मेंशन नहीं होता, अगर मैं अपना अकाउंट ओपन करती हूँ तो वो ओपन नहीं करते रिफ्यूज कर देते हैं, तो फिर अगर मैं अपनी सिस्टर के उस पर करना चाहूँगी किसी और फैमिली मेंबर के तो वो आप मुझे क्रिएट कर देंगे या दोबारा चांस नहीं होगा क्रिएट करने का? जी जी कर सकते हैं लेकिन एक चीज देखिएगा कि एक एड्रेस के ऊपर अगर सेम एड्रेस
आपके घर के फैमिली मेंबर्स का लगा हुआ है तो एक एड्रेस ही उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सेकंड एड्रेस वो नहीं, मैं तो सर अभी यहाँ पे हांगकांग में हूँ ना, तो मेरी जो सिस्टर है वो जो पाकिस्तान में, अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी सिस्टर का सारी लोकेशन वगैरह और वो, ठीक है जी, डन हो गया, बिल्कुल सही है वो, फिर आप मुझे ऊपर कर जी। सर अभी आपने कहा ना कि यूरोप का या डिफरेंट कंट्री का देख के, यूके और यूएसए का तो सर खुल जाता है, मैंने इटली का किया था उसका पोस्टल कोड डाल के, वो तो मेरे से ओपन नहीं हो रहा था। इटली का आपने डाला था, नहीं हुआ था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हेलो सर, यहाँ पर देखें amazon.italy आएगा, amazon.it इटली में, ठीक है, मैंने इटली को ओपन किया है, ये देखें ये amazon.italy आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले सबसे पहले इसको चेंज कर ले आप लोकेशन का जी। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखें ये डिलीवर टू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट उसमें होगा, आप इसको इंग्लिश में चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ amazon.italy के ऊपर, आप जूम आउट करें, जूम इन किया होगा आपने मोबाइल के थ्रू, जैसे जूम करते हैं मोबाइल में ऐसे ही जूम जूम आउट करते हैं, जैसे पिक्चर को जूम इन किया जाता है। हाँ, हेलो सर, हम इन पे पोस्ट कोड कैसे डालेंगे, हमें ये सारे कोड कहाँ से पता चलेंगे? अच्छा, ये मैं अभी आपको बता दिया, जैसे देखिए मैंने इटली की मार्केट प्लेस है यहाँ पर, अब आप किसी की एक सिटी को चूज कर ले, मैं यहाँ पे देखें इटली के कौन से, रोम को मैं सिलेक्ट कर रहता हूँ, तो इटली की जो सिटीज है, मैं फर्ज करें यहाँ पे अगर आपको कोई सिटी का नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख ले इटली सिटीज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी सिटी का, जैसे ये रोम है, ये जिस तरह से ये सारा है, तो आप रोम को क्लिक करें, आप यहाँ पे रोम पोस्टल कोड डाल लें, किसी एक सिटी का डालेंगे तो पूरी मार्केट प्लेस से आपके सामने आ जाएगी और सारी प्रोडक्ट्स जो इटली के अंदर डिलीवर हो सकती हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी, जो इटली के सारे सेलर्स। अब यहाँ पर मैं देखें कंफर्मेशन किया तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली उसने ये वाला एड्रेस जो है वो चूज कर, ठीक है। आपने करना क्या है कि यहाँ पर जाना है, ये देखें यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक करना है आपने या इंटर कर देना है, ये मैंने जैसे ही इंटर कर देंगे, अब ये देखें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखें उसने खुद ऑटोमेटिकली वो एड्रेस पिक कर दिया, ये देख रहे हैं, ठीक है। सर ये पोस्टर कोड हम कहाँ से फिर सारे लेंगे, जब ये देखे ना इंटरनेट पे पड़े हुए, मैंने रोम रोम इंटरनेट, ये रोम का मैंने पोस्टल कोड लिखा है सिटी का, आप लंदन का, आप फर्ज करें लंदन पोस्टल कोड लिख रहे हैं आप वहाँ किसी सिटी का, यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, ये देखें ये नीचे पोस्टल कोड लिखे हुए, इनमें से कोई एक पिक कर ले, ये देखें आपके पास टॉप पे पोस्टल कोड आ जाएगा। मैं फर्ज करें न्यूयॉर्क पोस्टल कोड लिखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क पोस्टल कोड आ जाएगा, ये देखें ये आपके पास इतने ज्यादा पोस्टल कोड, इनमें से कोई भी पिक कर लें, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू हियर मी? जी मैं अर्निंग चेक करने के ये सारे कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी कितनी, बस आप जाके प्रोडक्ट्स को सर्च करें देखें, हाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट को सर्च करें देखें कि क्या, एक एक प्रोडक्ट ओपन करके देखते रहें, चेक करें उनके टाइटल कैसे लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट कैसे लिखे हुए हैं लोगों ने, उसकी कोई ए प्लस कॉन्टेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर कोई कितने सेलर बैठे हुए बेच रहे हैं वो भी आप देख लें, इस तरह की चीजें आप देख लें सर, देखें। चलें जी, आई थिंक सो अगर सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जी जी, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज सर वो देखें, एक वो तो यहाँ पे है ना हमारे ग्रुप में, उनको तो काफी कुछ मालूमात हासिल है, वो तो उनके पास चीजें भी बेचने के लिए है, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो तो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, हमें तो अभी हम तो आज के लेक्चर से मैं तो बहुत कंफ्यूज हुई हूँ, यानी कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है, स्टार्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे ही आगे आगे कोर्स पढ़ता चला जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होती जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा था कि हम जॉब अपॉर्चुनिटी सर अगली क्लब कब होगी, कुछ आता होगा, मैंने अभी ये बता दिया भाई का, हमसे बहुत आगे हैं, ये काम भी कर रहे हैं,
आप ये देखें, आप जो है स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कोई वहां से नहीं लेके जा रहा कि वो जहां से मंडे को वहां से शुरू कर रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टार्ट। अगर आज का आपको लेक्चर समझ आया तो इसका मतलब अगले भी लेक्चर समझ आएंगे आपको। अभी आपके लिए नई है, ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब टूल्स के ऊपर काम होगा, सारी चीजों पर काम होगा, तो आप समझ तो आई है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी आज की क्लास ना। कोई बात नहीं है, अभी ये थोड़ा न्यू है ना, फील्ड न्यू है, ऐसा आप लोगों को समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग्स हैं पड़ी हुई, आप दोबारा जाके सुने रिकॉर्डिंग्स को, कोई प्रॉब्लम आ रहा है दोबारा सुने, इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, उसके उससे रेलिवेंट आप टॉपिक खोल के दोबारा देख सकते हैं, इस तरह से देखें। अगली क्लास कब होगी? ईद होगी ना, ईद के ऊपर तो शायद, ईद के ऊपर तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो अब आपको बता देंगे कि कौन सी क्लास, फिर नेक्स्ट वीक ही होगी शायद, लेकिन अगर उसके दरमियान अगर कोई एडजस्टमेंट बनती है तो वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक दिन पहले। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मिस। सर ये विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप हमें अपॉर्चुनिटी देंगे अपने साथ वर्क करने की? जी जी, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ जी, और ये जो भी हो सकती है इसमें, आपने प्राइवेट लेबल में जितने भी चीजें बताई है, आप ये सब हम दो महीने में बस यही सीखेंगे? प्राइवेट नहीं, ये बहुत बड़ी फील्ड है, आप टेंशन ना लीजिए, आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा मैंने नाम लिए हैं, कितनी बड़ी ये चीजें हैं। सर एक्चुअली अभी मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे सही समझ नहीं आ रही, जब तक आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं करवाएंगे। जी जी बिल्कुल, आगे नेक्स्ट हमने प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करवाना है। तो सर ये विदाउट इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें सैलर सेंट्रल अकाउंट तब भी हमें क्रिएट करना है, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अर्निंग करनी है? वो मैंने आपको इसलिए करवाया कि आप लोग जो हमारे ब्रांड्स है ना, उनके साथ अगर आप को चांस मिलता है कोलैबोरेशन का, तो फिर उसके लिए सैलरी सेंट्रल अकाउंट की रिक्वायर्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, वो मतलब हम इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है आपकी, तो अदरवाइज आपने जब सर्विसेज देनी है उसमें तो आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। हां जी बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, आई होप सो सारों के क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यस सर, यस, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह, यस सर, यस।